Now, बच्चा लोग आज हम क्या देखने वाले हैं हमने बात किया इन्वर्जन की कल हमने क्या चर्चा की मैकेनिज्म की देन व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म देन व्हाट अबाउट द इनवर्जन इन्वर्जन क्या होता है कैसे कैसे हम देखते हैं इन्वर्जन हर एक पॉइंट को देखेंगे हर एक चीज को क्लियर करते हुए हम चलेंगे इन्वर्जन में ना व्हाट अबाउट द इनवर्जन अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इन्वर्जन क्या है बाई फिक्सिंग द डिफरेंट डिफरेंट लिंक इन ए कानामेटिक चेन दैट इज द इन्वर्जन अगर मैं इन्वर्जन की बात करूं तो इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन आज हम बात करने वाले हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के ऊपर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन करने वाले हैं और कल मैंने क्या किया था कल हमने क्या था फोर बार चेन का इन्वर्जन ठीक है ना कल मैंने फोर बार चेन का इन्वर्जन किया और फोर बार चेन के इन्वर्जन में आप लोगों ने एक चीज देखा मेरे बच्चों ध्यान से कल फोर बार चेन के इन्वर्जन में हमने देखा बीम इंजन कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव एंड इंडिकेटर मैकेनिज्म आपको आपको मैंने इसके भी आपको मैंने इसके भी दिखाए इन सब चीज के ऊपर बात की और सबको समझाया ठीक है ना और यहां यह भी बताया कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं ठीक है ना सो so, इसी के साथ साथ हमने कल रात में ग्यारह बजे एक मशीन डिजाइन की भी क्लास की थी आई थिंक आप लोगों ने देखा था ठीक है ना सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाइएगा उसको देखिएगा जरूर ठीक है ना और मेरी सारी क्लासेस का प्ले जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो उसका दूसरा जुगाड़ भी है मेरे पास ठीक है चलो सो so गाइज मैं अभी दूसरा जुगाड़ आपको दिखाता हूं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करने से पहले आज मैं बता दूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन पर जितने भी इनवर्जन होते हैं आज मैं उन सबका एक बार ओवरव्यू दूंगा जरूर और उसके बाद उसके बाद जो है एक एक करके मैं सबके ऊपर जैसे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक मैं उसके ऊपर बात करूंगा ठीक है सो हेलो एवरीवन दिस इज आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट एम पी पर और गाइज अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन का बटन दबा लीजिए नावाइज अगर बात करूं मैं अपने बारे में दिस इज माय प्रोफाइल एंड uh, अगर मैं सब्जेक्ट टेकन की बात करूं तो सब्जेक्ट टेकन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना मेरे बच्चे मैंने चार बार गेट टॉप किया है एमटेक जो है आईआईटी आई धनबाद से किया है नाउ माय डियर फ्रेंड नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर मैं इन सब की बात करूं आलोक लाइव मेरा कोड है डियर आलोक लाइव मेरा कोड है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड अगर हम बात करूं अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउन इंस्टॉल करिए फटाफट जाइए और उसी के साथ साथ अगर आप मेरी फ्री लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं फ्री लेक्चर्स आपको ऐप के अंदर कुछ ऐसे दिखते हैं फ्री लेक्चर्स के रूप में आप जाओगे तो पासवर्ड है बेटा लाइव ध्यान रखिएगा फ्री लेक्चर देखने के लिए पैसे नहीं लगते लेकिन पासवर्ड लगता है पासवर्ड है बेटा लाइव ठीक ना अच्छा फ्री लेक्चर्स के लिए बेटा आपको यहां जाना पड़ेगा मैं आपको यही जुगाड़ बता रहा था कि यहां मेरा सारा प्ले जो है यूट्यूब का वो सब दिख रहा है टाइनी ऑर एल डॉट कॉम स्लैश आलोक लाइव कोड के अंदर टाइनी ऑर एल डॉट कॉम स्लैश आलोक लाइव कोड के अंदर चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को फटाफट 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 चलिए सो so, बच्चा लोग अगर चाहूं, हम बात करना चाहो हम बात कर रहे हैं सारे मैकेनिज्म की सारे मैकेनिज्म की यस और नो सारे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ठीक है ना उसकी बात करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा उसकी बात करने से पहले जब तक कि सभी लोग आ रहे हैं जब तक कि सभी लोग आ रहे हैं उससे पहले जब तक सभी लोग आ रहे हैं मैं आपसे उसकी बात के लिए क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जल्दी से जल्दी बताइएगा मुझे सबसे पहले हमारे सिस्टम में आया क्या लिंक ना लिंक बोले तो सिंगल लिंक ध्यान रखेगा जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है बेटा जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है सर वो बनता है पेयर क्या बनता है बेटा पेयर अब मैं आपसे पूछता हूं अगर मिनिमम चार लिंक आपस में कनेक्ट होता है तो क्या बनता है सर चेन बनता है चेन में कितने लिंक सर मिनिमम चार लिंक अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक काइनामेटिक चेन में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं मेरा क्वेश्चन है एक कायनामेटिक चेन में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं एक कायनामेटिक चेन में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ एक कायनामेटिक पेयर में कितने नंबर ऑफ एक कायनामेटिक चेन में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं जल्दी से जल्दी आंसर करोगे एक कायनामेटिक चेन में कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ ठीक है आंसर करोगे जल्दी से मैंने पूछा एक काइनामेटिक चेन में न वन काइनामेटिक चेन कितने पेयर होते हैं कितने पेयर होते हैं कितने पेयर होते हैं चार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चार ठीक है ना कहीं कहीं तुम्हें परेशान करने के लिए कहीं कहीं सॉल्यूशन में कहीं कहीं किसी किसी किताब में गलत लिख दिया गया है तीन ठीक है ना और बाकायदे आंसर आप लोगों को दे दिया गया है कैम एंड फॉलोवर का बेटा कैम एंड फॉलोवर को तो आपने देखा ही था मैंने रिडेंडेंट लिंक में यूज किया था उसका ठीक है ना तो मेरे भाई ध्यान रखना कायनामेटिक चेंज जो है आपको ऐसे क्रिएट होगा और यहां जो है बेटा कितने पेयर होंगे कितने पेयर होंगे यू कैन सी दिस एक और दो एक पेयर बनाएगा है कि नहीं तीन और चार एक पेयर बनाएगा बोलो हां ना अच्छा इसके साथ साथ दो और तीन एक पेयर और एक और चार एक पेयर तो टोटल कितने पेयर बन गए टोटल चार पेयर बन गए एक दो का दो तीन का तीन चार का चार एक का दैट्स इट टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं बेटा टोटल चार पेयर है मेरे बच्चों ध्यान से टोटल चार पेयर होते हैं ध्यान रखिएगा अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन है आईसी इंजन वॉल्व सभी लोग तब तक आ रहे हैं मैं आप लोग से एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं आईसी इंजन वॉल्व यह किसका एग्जाम्पल है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट ये किसका एग्जाम्पल है कंप्लीटली कंस्टेंट इनकम्प्लीट कंस्टेंट एंड सक्सेसफुल कंस्टेंट किसका एग्जाम्पल है आईसी इंजन वॉल्ब किसका एग्जाम्पल है आईसी इंजन वॉल्ब इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्ब सुने हो ना ये किसका एग्जाम्पल है कंप्लीटली कंस्टेंट इनकम्प्लीट कंस्टेंट और सक्सेसफुल कंस्टेंट जल्दी से बोलो मेरा अगला पेज स्टार्ट कर दूंगा नहीं तो मैं आंसर दे दो वेरी गुड या सक्सेसफुली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड द एग्जाम्पल इज सक्सेसफुली सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट ना मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार सक्सेसफुली का दूसरा नाम क्या है सर सक्सेसफुली का दूसरा नाम है क्या कोई सक्सेसफुली का और भी कोई नाम है क्या सक्सेसफुली का और भी कोई नाम है क्या सक्सेसफुली का और भी कोई नाम है क्या अगर सक्सेसफुली का और भी कोई नाम है तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दो अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस खेल को इनवर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन सक्सेसफुली का दूसरा कोई नाम है क्या यस सर पार्शियल कंस्ट्रेंट मोशन याद आ रहा है पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन याद आ रहा है पार्शियली कंस्ट्रेंट मोशन याद आ रहा है बच्चा चलो बताओ यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब ही दे दो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाए तो कौन सा चेन बनाएगा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाए तो वो कौन सा चेन बनाएगा चलो जवाब दे ही दो मैं स्टार्ट करता हूं बस तीस सेकेंड और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाए तो वो कौन सा चेन बनाएगा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाए तो वो कौन सा चेन बनाएगा अनकंस्ट्रेड इनकम्प्लीट कंस्टेंट वेरी गुड बहुत अच्छी अनकंसटेंट का ही दूसरा नाम है इनकम्प्लीट कंस्टेंट अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरा ये पूछा गया लास्ट क्वेश्चन तब मैं स्टार्ट करता हूं इस फेरिकल पेयर के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इस फेरिकल पेयर के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इस फेरिकल पेयर के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फेरिकल पेयर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फटाफट पट बताओ इस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं अरे भैया चेतन क्या कर रहे हो थ्री 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 ये गलती नहीं करना है वन मत दे देना थ्री इज द राइट आंसर ना बच्चा लोग अब कुछ अच्छा सा लग रहा होगा कि हमने अगर शुरू से पढ़ा है अगर आपने शुरू से पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, सारा टॉपिक क्लियर है यस और नो सारा टॉपिक क्लियर, yes no? क्लियर है बोलो हाँ या ना है ना इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा क्रैंक एक ऐसा चीज है जो तीन डिग्री घूमता है और रॉकर एक ऐसी चीज है जो ऑसिलेट करता है बस इस चीज को ध्यान रखो तुम्हारा सब क्लियर है दैट्स इट चलो अगला है बेटा इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करूंगा और हाँ एक चीज और ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ना ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ये जो आए दिन अभी जो पीएसयू के वैकेंसीज निकल रही हैं कहीं एनडीएमसी कहीं एचपीसीएल कहीं एन uh, में या कही, कहीं कहीं भी निकल जा रहा है स्टेट का एज का तो भाई ये सब वही के क्वेश्चन है ये जो मैं आपसे पूछा हूं ना ये सब वही के क्वेश्चन है अब तुम बताओ कि तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए सर अगर कॉन्सेप्ट मिल रहा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो है ना मैं मना नहीं करूंगा अगर कहीं क्वेश्चन मिल रहा तो है तो क्वेश्चन भी करो ठीक है तो गाइस मैं आप लोग को एक बार आज ओवर दे देता हूं कि आज आप लोगों को कराने क्या वाला इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन कराने वाला हूं जिसके अंदर कई टाइप के इन्वर्जन देखेंगे ठीक ना फर्स्ट इन्वर्जन रेसिप्रोकेटिंग थर्ड इन्वर्जन ऑसिलेटिंग सिलेंडर स्लॉटेड लीवर फोर्थ इन्वर्जन बुल इंजन या पंप दोनों होता है ठीक है ना देन रेसिप्रोकेटिंग इंजन आप लोग को दिखाने वाला हूं देखो किस तरीके से काम करता है ये सारी चीजें मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं देन uh, आप लोगों को बताने वाला हूँ विटवर्थ क्विक रिटर्न के बारे में मेरे बच्चे ध्यान से विटवर्थ कैसे काम करता है ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पूरा दिखाने वाला हूँ ध्यान से टेंशन ना लो ठीक है ना विटवर्थ किस किस हिसाब से विटवर्थ काम करता है ये सारी चीजें मैं आपको हिस्ट्री क्या है विटवर्थ की अच्छा विटवर्थ इस बार गेट में क्वेश्चन आया थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को भी लेकर आ गया हूँ क्या खेल था विटवर्थ का ऐसा क्यों किया था विटवर्थ ने ठीक ना देन एप्लीकेशन देन इसके बाद मेरे बच्चे मैं लेकर आया हूँ रोटरी इंजन रोटरी इंजन जीनोम इंजन जीनोम इंजन का कैसे यूज कहाँ करते हैं यूज तो आई थिंक आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने इसका यूज हम लोग एरोप्लेन के अंदर करते हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वट इज द यूज देन इसके बाद जो है बेटा आज का अगला जो है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन सिलेंडर कैसे ऑसिलेट करता है वो सारी चीजें दिखाने आया हूँ उसके ऊपर बात करने आया हूँ देन उसके बाद आपको क्रैंक एंड स्लोटेड क्लैंक एंड स्लोटेड लिवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म ये भी आपको विटवर्थ ने ही दिया था लोग सोचते हैं कि यार वो तो विटवर्थ ने दिया था इसको कौन दिया था ये भी विटवर्थ नहीं दिया था अठारह सौ ईस्वी में ठीक है ना तो गई ये मैं बताने आया हूं ऐसा क्या किया था विटवर्थ ने ठीक है ना इसके साथ साथ ये सेप ए, सेपर में यूज करते हैं ना सेपिंग मशीन में ऐसे कैसे लगता है ये सारी चीजें आपको दिखाने आया हूं देन इसके बाद बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोर्थ इन्वर्जन जो है दैट इज बुल इंजन पेंडुलम पंप ये कैसे काम करता है बुल इंजन पेंडुलम पंप देखिए ध्यान से और इसी के साथ साथ अगला जो है हैंड पंप आपने सुना ही होगा अगला क्या है बेटा पंप आई थिंक आप लोग भी जानते हो हैंड पंप होता है फोर्थ इन्वर्जन ठीक है फोर्थ इन्वर्जन इज हैंड पंप आई थिंक इतनी बात तो सुने हो गए. तो आई थिंक आज की पूरी क्लास जो है, है टेंशन मत ठीक है ना और हैंड पंप की जब भी बात याद आती है हैंड पंप की जब भी बात याद आती है तब भी हमें ये चीज कहा जब भी हैंड पंप की बात याद आती है तभी हमें सनी पाजी गा। का ये सीन याद आ जाता है सनी पाजी का ये सीन याद आ जाता है गदर मूवी का एक सीन है आई थिंक हैंड पंप की बात याद आते ही ये याद आता है तो आज खूब मतलब मजेदार क्लास होने वाली है टेंशन ना लो ठीक ना मतलब सनी पाजी की ये पूरी चीज मैं मूवी दिखाने वाला हूँ टेंशन ना लो ठीक ना हैंड पंप हैंड पंप को सनी पाजी से मैं क्यों को रिलेट करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं आपको ये सीन क्यों दिखा रहा हूं उसके पीछे छुपा कुछ राज है उसके पीछे कुछ ट्रिक है कि हैंड पंप को मैंने सनी पाजी से रोका है हैंड पंप का मैंने सीन आपको सनी पाजी का दिखाया मेरे बच्चे उसका रीजन है बेटा कुछ उसका रीजन है बेटा कुछ ठीक है ना कि जब हम हैंड पंप को हैंड पंप देखते हैं ना तो उस समय स्लाइडर फिक्स होता है ये मैंने आपको ये सीन क्यों दिखाया मैं आपको बता देता हूं ना हैंड पंप में या सनी पाजी को मैं क्यों दिखा रहा हूं रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं तो हैंड पंप का सीधा को रिलेशन जब पंप फिक्स होता है ना जब हैंड पंप बनता है ना तो क्या फिक्स होता है स्लाइडर फिक्स होता है तो बच्चों को याद नहीं रहता क्या फिक्स होता है स्लाइडर तो बच्चों को याद नहीं रहता इसके लिए मैं आपको सीन दिखाया एस फॉर सनी पाजी एस का मतलब क्या हो गया सनी पाजी अरे सनी देवल यार एस सनी देवल तो एस फॉर स्लाइडर फिक्स अपने आप याद रहेगा ठीक ना और हैंडपम्प तो आप लोग जानते हैं तो आज का पूरा कांड ये होने वाला है डोंट टेक एनी टेंशन ठीक है ना सो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे बच्चों आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है ये मैं गारंटी ले, ले रहा हूँ मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत बहुत, बहुत लाजवाब सेशन है मतलब मैं जो ढूंढ ढूंढ के लाया जहां से चुन चुन के ठीक है ना तो वो सारी चीजें चलो भाई स्टार्ट कर दे स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करूं बेटा स्लाइडर क्रैंक चेन की पहले बात करता हूं पिस्टन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जी सर देखे। एक पिस्टन होता है फिर सिलेंडर होता है फिर कनेक्टिंग रॉड होता होता है फिर होता है ना? फिर फिर क्रैंक ठीक ना इतना इतना जो होता है जैसे द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म उसके आगे तो बहुत सारी चीजें होती है अब उसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ये सारे इन्वर्जन होते हैं मतलब ससुराल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से अलग अलग लिंक को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म बना डाला अरे वाह तो तो ये ये मैकेनिज्म बना बना कैसे? कैसे? अब क्वेश्चन होता है। तो भाई अलग-अलग लिंक को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब हमारा, क्या है बेटा? फिक्स है। क्या है बेटा? हमारा है बेटा इनवर्जन हमारा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे

पहले मैं आप लोग को यह सिखा देता हूं फर्स्ट इन्वर्जन सेकेंड थर्ड और फोर्थ में क्या क्या फिक्स होता है लाइन बाय लाइन फिक्स क्या होता है फिर मैं आपको यह सिखाऊंगा फिर दोनों को जोड़ देंगे अभी दिखाता हूं आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आपको जीवन भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको सब याद रहेगा अब देखो ये पिस्टन है यह सिलेंडर है आई थिंक इतना तो समझते हो गए दिस इज द सिलेंडर यह सिलेंडर है यह पिस्टन है ये क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड क्या है कनेक्टिंग रॉड ना मेरे बच्चे तुम कैसे भी बनाओ तुमको बस ध्यान देना है जो बोल रहा हूं सुनना पिस्टन को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं सर पिस्टन को स्लाइडर भी कहते हैं पिस्टन को क्या कहते हैं स्लाइडर सुनेगा ध्यान से अब मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले अपन ने किसको फिक्स किया सिलेंडर सबसे पहला जो इन्वर्जन आएगा डियर जो फर्स्ट इन्वर्जन आएगा इसके अंदर जानते हमने किसको फिक्स किया हमने फिक्स किया सिलेंडर किसको बेटा सिलेंडर इसके अंदर हमने किसको फिक्स किया सिलेंडर सबसे पहला जो फिक्स होता है बेटा सिलेंडर आप लोग पता है आप लोग को जब जब ये मैकेनिज्म मैं दिखाया आज तक आज तक बेटा मेरी बात ध्यान सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद तुमको कुछ बच्चों को इसकी कीमत पता हो कि ये चीज याद नहीं होती है यहां से सीरियसली क्वेश्चन बनता है कुछ लोगों को इसकी कीमत पता हो कुछ बच्चों को नहीं पता है तो बस ये ध्यान रखना कोहिनूर का हीरा पढ़ रहे हो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये कोहिनूर का हीरा है इसको कैसे याद रखना है वो टेक्निक बता रहा हूं ध्यान से सुनना हम लोग जब भी ये मैकेनिज्म बनाते हैं कोई भी ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए आज तक बनाए तुम भी बनाते हो मैं भी बनाता हूं हमेशा पहला काम क्या करते हैं सिलेंडर फिक्स करते हैं बोलो हाँ या ना पहला कहते हैं ना पहला काम क्या करेंगे बेटा सबसे पहला काम क्या करते हैं सिलेंडर फिक्स करते हैं आप भी और मैं भी हमारे हम लोग की आदत में हम लोग की आदत में है तो उसी आदत का फायदा उठाते हैं और पहला इन्वर्जन क्या होगा जब सिलेंडर फिक्स होगा बात समझ में आया अच्छा सिलेंडर फिक्स होने के साथ साथ कौन सा चीज फिक्स है ये भी यहां भी देखो यहां भी फिक्सिंग है यहां ये भी फिक्स है और ये भी यहां फिक्स करते हैं तो भाई ये, ये कोई लिंक फिक्स नहीं है ठीक न, ये वही है बट 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 इसके साथ क्या कनेक्ट है इसका मतलब देखो ये भी फिक्स लिंक ये भी वन ये भी फिक्स लिंक ये भी वन तो दोनों फिक्स लिंक है हम दोनों को वन वन मानेंगे बिल्कुल मानेंगे नौ no. वन के साथ अगला क्या है क्रैंक टू कौन सा बेटा टू कौन सा एम यू कैन सी दिस टू क्या है वन के बाद टू क्या आइडिया सर टू इज क्रैंक टू इज क्रैंक यू कैन सी दिस दूसरा क्या है बेटा क्रैंक तो गाइस सेकेंड इनवर्जन जो होगा उसमें क्या फिक्स होगा क्रैंक क्या फिक्स होगा क्रैंक क्रैंक से कौन जुड़ा है सर कनेक्टिंग रोड क्रैंक से कौन जुड़ा है कनेक्टिंग रोड तो तीसरा क्या होगा कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग रोड पे कौन जुड़ा है सर स्लाइडर तो चौथा क्या होगा स्लाइडर पहला क्या है सिलेंडर ठीक है तो पहली बात आपको आपको ये नहीं पकड़ना आपको ये नहीं ध्यान रखना अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया सिलेंडर फिक्स फर्स्ट इन्वर्जन क्रैंक फिक्स सेकेंड इन्वर्जन कनेक्टिंग रॉड फिक्स थर्ड इन्वर्जन स्लाइडर फिक्स फोर्थ इन्वर्जन मैंने आपको अभी ये सिखाया ठीक है ना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को आप लोग स्टार्टिंग करते हो सिलेंडर को फिक्स करके ही आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं बात समझ में आया ठीक है ना सेकेंड पॉइंट इस फिक्स लिंक और इस फिक्स लिंक में कोई अंतर नहीं है भाई दोनों वन वन लिंक है दोनों सेम है इस वाले से क्या कनेक्टेड है सर टू फिर तीसरा फिर वहां से चौथा इसका मतलब है हम लोग ऐसे चले सिलेंडर क्रैंक कनेक्टिंग रॉड पिस्टन आर यू गेटिंग माय पॉइंट मेरी बात समझ में आई बोलो हाँ या ना मेरी बात समझ में आई यस और नो यस और नो यस सो so, मेरे भाई सिलेंडर क्रैंक कनेक्टिंग रॉड स्लाइडर ये चार चीजें क्लियर है ना अब यहां आते हैं अब यहां आते हैं पहला इन्वर्जन क्योंकि देखो आपको एग्जाम में ना क्या करता है मैं आपको बताता हूं मैचिंग द वर्ड में आपको दे देता है फर्स्ट इन्वर्जन सेकेंड इन्वर्जन थर्ड इन्वर्जन फोर्थ इन्वर्जन और टेढ़ मेढ़ा करके दे देगा कि पहले में क्या फिक्स होगा बताओ दूसरे में क्या फिक्स होगा बताओ तीसरे में क्या होगा और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी ये भी भी क्वेश्चन पूछता पूछता है है इसीलिए मैंने जो आपको सीरीज ध्यान दिया उसको थोड़ा सा फोकस करो हैं अगला सर अब नाम कैसे याद रहेगा और नाम के साथ ये कनेक्ट कैसे होगा अब ये चीजें थोड़ा सा सुनना है समझना है बेटा जब सिलेंडर फिक्स करते हैं क्या किया मैंने फर्स्ट इन्वर्जन मैंने क्या किया सिलेंडर को फिक्स कर दिया जब सिलेंडर फिक्स करते हैं मेरे बच्चे ध्यान से तो क्या बनता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्या बनता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन ना सुनना रेसिप्रोकेटिंग क्यों बनता है वाई सर हम सभी लोग जानते हैं जब सिलेंडर फिक्स होता है हम सभी लोगों ने ठीक है ना हमने ये पार्ट पढ़ा है कि यहां जो है ना यहां सिलेंडर फिक्स होता है और यहां पिस्टन क्या करता है ऊपर नीचे करता है आप देखिए आपने ये पढ़ा है हमने ही पढ़ा आपने ही पढ़ा आईसी इंजन में दिस इज द कॉमन पॉइंट दिस इज द कॉमन पॉइंट यार ये कॉमन सेंस से भी याद रहेगा क्योंकि हमने आईसी इंजन पढ़ा है जब सिलेंडर आईसी इंजन में सिलेंडर फिक्स होता है बोलो हाँ ना हम उसको क्या कहते हैं आईसी इंजन तो भाई यहां हमने क्या नाम दे दिया रेसिप्रोकेटिंग इंजन रेसिप्रोकेटिंग क्यों बोला क्योंकि पिस्टन का मोशन कैसा हो रहा है पिस्टन का मोशन कैसा हो रहा है सर पिस्टन का मोशन इज रेसिप्रोकेटिंग यू कैन सी दिस इफ पिस्टन मोशन इज रेसिप्रोकेटिंग नाउ गाइज एट दिस अगर पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग है तो गाइज ये क्या होगा दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग इंजन तो आईसी इंजन ही है आईसी इंजन ही है ठीक है ना <coughs> क्या कह रहा है फोर्थ वाला कौन सा है? बेटा फोर्थ स्लाइडर फिक्स करते हैं फोर्थ में स्लाइडर फिक्स करते हैं अभी समझाया था हैंड पंप का सनीपा जी वही तो है फोर्थ ठीक है ना तो भाई अगर मैं सिलेंडर फिक्स करता हूं तो हमें पता है कि आईसी इंजन बनता है आईसी इंजन पता है तो भाई इंजन से याद रखोगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी चलो तो पहली बात तो मैं नाम याद करा रहा हूं तो बीच में अभी परेशान मत करना कि इसके बारे में और चीजें बताओ पहले मैं नाम याद करा रहा हूं एक बच्चे ने मेरे को आके बोला चिंटू सेज हे, हे, माय चिंटू चिंटू सेज कि सर, मैंने कहीं कहीं यह भी पढ़ा है मैंने कहा क्या पढ़ा है कहता सर इसका एक रेशीप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी पढ़ा है चिंटू ने बोला कि सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी होता है क्या मैंने बोला सुनो अब कहते हैं सर रेसिप्रोकेटिंग इंजन तो समझ में आ गया मैंने कहा ठीक है मैंने कहा चिंटू सुनो मेरी बात कहते क्या सर मैंने कहा देखो अगर मैं बोलता हूं ये रोटेशन है और ये रेसिप्रोकेशन ठीक ना सुनिएगा यहां क्या मोशन मौस, हो रहा है बेटा रोटेशन और यहां क्या हो रहा है बेटा रेसिप्रोकेशन लो रेशिप मोशन है रोटेशन हो रहा है यहां और यहां क्या हो रहा है रेशिप्रोकेटिंग बोलो हाँ यस और नो ना लुक एट दिस अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है अगर मैं इनपुट क्रैंक को दे रहा हूं स्लाइडर आउटपुट है मेरी बात पूरा ध्यान सुनो अगर मैं इनपुट क्रैंक को दे रहा हूं स्लाइडर इज माय आउटपुट So my dear friend, look at this, अगर इनपुट क्रैंक है स्लाइडर हमारा आउटपुट है सो माई डियर फ्रेंड हम हमेशा आउटपुट लिंक के मोशन को देख कर चलते हैं तो आउटपुट में क्या हो रहा है तो बात करना चाहूं यहां से देखकर तो दिस इज द रेसिप्रेटिंग इंजन अगर मैं इसका इनपुट आउटपुट चेंज कर दू लेटर सपोज कि मैं इसको इनपुट बना दू और इसको आउटपुट बना दू सुनिएगा मेरी बात पूरा ध्यान से है ना सुनिएगा ध्यान से रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अगर मैं चर्चा करना चाहूं मेरे बच्चे सुनते रहना बस ध्यान से कि क्रैंक रोटेट कर रहा है तो इंजन अच्छा सुनिएगा अगर मैं इनपुट आउटपुट चेंज कर दू ना सिलेंडर को थोड़ा और अच्छे से कर लो है ना इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन अब क्या करेगा सर एयर को कंप्रेस करेगा बोलो हाँ या ना इस सिस्टम के अंदर में सिलेंडर के अंदर में ये पिस्टन क्या करेगा एयर को कंप्रेस करेगा बोलो हाँ या नहीं यस और नो बिल्कुल कर सकता भाई तो एयर को कंप्रेस कर सकता है एयर को कंप्रेस कर सकता है इसीलिए हमने इसको क्या बोला दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक बार और समझा देता हूं सुनो मेरी बात एक बार और समझाता हूं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए हमारा आउटपुट क्या है सर रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए हमारा आउटपुट ये है क्रैंक इसके लिए हमारा आउटपुट क्या है बेटा क्रैंक और इसके लिए हमारा आउटपुट क्या है सर स्लाइडर समझे मेरी बात नहीं समझे एक बार और सुनो हमारे गाड़ी में आगे चलो ना अगले पेज पे है तो एग्जांपल हमारे गाड़ी में पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो हमारा गाड़ी का व्हील कैसे घूमता है सर क्रैंक की तरह तो हमारा आउटपुट क्या हमारा आउटपुट क्रैंक है बात समझ में आया सो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग इंजन ठीक है अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं तो मैं यहां हाथ रखूंगा और ऐसे घुमाऊंगा तो कंप्रेसर क्या करेगा इसको कंप्रेस करेगा बोलो हाँ तो गाइज मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो हमारा आउटपुट है वो गाड़ी का व्हील जो घूमता है वो क्रैंक है लेकिन कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो क्या है भैया स्लाइडर का मोशन कंप्रेस करना तो बस इनपुट आउटपुट को चेंज करके एक मशीन बन गया और ठीक ना इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को भी आप ध्यान रख सकते हो अदरवाइज मोस्ट फेमस थिंग इज दिस सबसे ज्यादा जो फेमस है मैंने यहां लिख रखा है मैंने इसका नाम वैसे भी नहीं लिखा था क्योंकि इसको कोई पूछता नहीं है सच्चाई बात बता रहा हूं हम लोग सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं कि सिलेंडर फिक्स होगा तो इंजन बनेगा हमने कंप्रेसर देखा ही नहीं इतना जादा। इतना ज्यादा ज्यादा हमने आज तक कंप्रेसर पढ़ा ही नहीं बोलो हाँ यहाँ ना, ना एग्जाम में आता है इतना इसीलिए मैंने इसको बाई साइड बाय साइड लिख दिया अगर आपको याद होता अच्छी बात है अदरवाइज रेसिप्रेटर इंजन तो सबको याद रहेगा ना सेकेंड इन्वर्जन बेटा मैं फिर से बता रहा हूं सुनते रहो ध्यान से ठीक है ना सेकेंड इन्वर्जन की बात करो तो सेकेंड इन्वर्जन में दो इनवर्जन आता है विटवर्थ और रोटरी ठीक है ना उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा फर्स्ट सबका क्लियर है बोलो हां या ना सर यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा आप पूछो मुझसे सर यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि फर्स्ट इन्वर्जन में क्या फिक्स करते हैं द फिक्स इज सिलेंडर फिक्स फिक्स करते हैं सिलेंडर फिक्स फर्स्ट इन्वर्जन में होता है, तो क्या बनता है engine, बोलो, हाँ अगर मैं बात करना चाहूं, में क्या फिक्स करते हैं तो सेकेंड इन्वर्जन फिक्स करते हैं क्रैंक अब चलो तो आगे ठीक है ठीक है तो आई थिंक आप लोग रेसिपरेटिंग इंजन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं या आप लोग जानते हैं पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रैंक ये सारी चीजें आपने सुना है टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर टीडी से बीडीसी के बीच में होता है स्टोक इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे ये तो पूरा सब्जेक्ट ही आप लोग पढ़ते हैं ठीक है ना ना अब बात आती है बेटा सेकंड इन्वर्जन की सेकंड इन्वर्जन जिसके अंदर क्या फिक्स होता है मेरे बच्चे सेकंड इन्वर्जन जिसके अंदर फिक्स होता है क्रैंक क्या फिक्स होता है बेटा क्रैंक अगर क्रैंक फिक्स होता है मेरे भाई एक चीज बताना एक सिंपल सी चीज बताना अगर क्रैंक फिक्स होता है तो ये रोटेट का रोटेट कर रहा है तुमको नहीं दिख रहा है, कर रहा है। अगर क्रैंक फिक्स होता है तो ये रोटेट काहे कर रहा है मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर सर सेकेंड इन्वर्जन में क्रैंक फिक्स है तो ये रोटेट का है कर रहा है ना अगला क्वेश्चन मेरा ये है सर जी अगर क्रैंक फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जीनोम इंजन पढ़ेंगे या रोटरी इंजन पढ़ेंगे क्रैंक फिक्स है तो ये का है रोटेट कर रहा है सर कुछ पंगा क्लियर नहीं हुआ अगर क्रैंक फिक्स है तो रोटेट कौन कर रहा है मेरे बच्चे ध्यान सुनना मैंने आपको जिस दिन ग्रेसॉक पढ़ा रहा था उसी दिन मैंने एक बात बोली थी कि बेटा आगे चल के एक विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा जहां क्रैंक फिक्स होगा फिर भी रोटेशन होगा बेटा एक्चुअली होता क्या है कि सिस्टम में एक क्रैंक नहीं होता है कभी भी आप लोगों ने डबल क्रैंक मैकेनिज्म सुना है सुना है बेटा से सिस्टम में कभी भी एक क्रैंक नहीं होता है एक फिक्स होगा दूसरा ड्राइविंग क्रैंक रोटेट करना शुरू कर देगा सर क्यों बेटा एक चीज बताओ अगर मैंने क्रैंक को फिक्स कर दिया अस सपोज दिमाग लगाओ अगर मैंने क्रैंक को फिक्स कर दिया ठीक है अगर मैंने क्रैंक को फिक्स कर दिया क्रैंक का काम क्या है रोटेशन दुनिया में कितने मोशन होते हैं सर जी दो मोशन रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर मैंने रोटेशन को फिक्स कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ट्रांसलेशन ऐसा कहीं होता है क्या तो गाइस मोशन तो होता है दो चीजों में यू कैन सी दिस मोशन तो होगा दो चीजों का एक रोटेशन और एक ट्रांसलेशन या रेसिप्रोकेटिंग जो भी आप कहते हो तो गाइज आप क्रैंक को फिक्स तो कर देते हो लेकिन दूसरा कोई क्रैंक उसकी जगह ले लेता है और वहां आ जाता है हमारा क्या दूसरा क्रैंक सो so गाइस यहां मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको क्रैंक फिक्स लेकिन ध्यान रखना एक और हमारा ड्राइविंग क्रैंक होगा जो हमें यह चीज बताएगा कि रोटेशन होता है आओ मैं आपको इसमें सबसे पहला पढ़ा रहा हूं विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सन 1800 ईस्वी की बात है 1800 सेंचुरी की बात है विटवर्थ नाम का एक साइंटिस्ट था ठीक है सन 1800 की बात है विटवर्थ नाम का एक साइंटिस्ट था दुनिया में उस समय कटिंग डिवाइस जो थी जितनी भी थी कटिंग डिवाइस सब मैनुअल कटिंग डिवाइस थी जितनी भी कटिंग मशीन थी जिससे किसी चीज को काटा जाता था सारी की सारी क्या थी बेटा मैनुअल थी सारी की सारी क्या थी बेटा सारी की सारी क्या थी डियर मैनुअल थी

जल्दी से जल्दी वापस आएगा काटेगा और जल्दी से जल्दी वापस आएगा फिर काटेगा फिर जल्दी से जल्दी वापस आएगा मेरी बात सुनते रहिएगा ठीक है ना काटेगा फिर वापस आएगा काटेगा फिर वापस आएगा मतलब कटिंग मशीन एक ऐसा कटिंग मशीन जो जिसका जो है आउटपुट ज्यादा है ठीक है ना सुनिएगा मेरी बात उसका खुशी खुशी उन्होंने अपने नाम के ऊपर नाम रख लिया विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म खुशी खुशी उस बंदे ने अपने ऊपर ये नाम रख लिया खुशी खुशी उस बंदे ने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का नाम अपने ऊपर रख लिया विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लेकिन कुछ समय के बाद इसके अंदर एक कमी दिखाई दी क्या दिखाई दी कमी ठीक है थोड़ा सा डिसएडवांटेज। कुछ कमी दिखाई दी तो यही विटवर्थ चचा 1800 सो ईस्वी में जब यह बना लिए लोग इसका यूज करने लग गए किसका इसका जब लोग इसका यूज करने लग गए तो उनको इसके अंदर कुछ कमी दिखाई दी ठीक है ना लेंथ ऑफ स्ट्रोक का कुछ पंगा था कि काट नहीं पा रहा सही से या ज्यादा आगे जा रहा है या ज्यादा पीछे रह रहा है मतलब इसका कुछ पंगा था तो उन्होंने ये छोटी मोटी कमी को दूर करने के लिए एक और मैकेनिज्म बनाया जहां उन्होंने क्रैंक को फिक्स नहीं किया जहां उन्होंने क्रैंक को फिक्स नहीं किया मेरे भाइयों सीरियसली मैं बात बता रहा हूं उन्होंने क्रैंक को फिक्स नहीं किया उन्होंने फिक्स किया किसको उन्होंने फिक्स किया कनेक्टिंग रॉड को उन्होंने जानते किसको फिक्स किया उन्होंने फिक्स किया कनेक्टिंग रॉड को और इतिहास में बना डाला क्या क्रैंक एंड स्लॉटेड लिवर क्विक रिटर्न मोशन मोशनिजम यह विचा नहीं किया परेशान ना हो दोनों एक ही तो लोगों ने बनाया इसके अंदर इन्होंने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया ना कि क्रैंक को इसके अंदर आप देखोगे मेरे बच्चे इसके अंदर आप देखोगे मेरे बच्चे ध्यान से देखना ये पीछे वाला जो रॉड है ना ब्राउन कलर का वो फिक्स है पीछे वाला जो ब्राउन कलर का रॉड है ये वाला रॉड जो है यह फिक्स है देखो पीछे वाला जो रॉड है इस गियर के जो पीछे है वो हमारा क्या है बेटा वो फिक्स है और ने जब ये काम किया तो यहां से हमारा वो जो डिसएडवांटेज था वो दूर हो गया सो so गाइस मैं आप लोग को ये चीज वहां भी पढ़ाऊंगा हिस्ट्री जो है हिस्ट्री जो है मैं आपको यहां भी बताऊंगा सो टेक एनी टेंशन हिस्ट्री के लिए टेंशन मतलब ये सारी चीजें भी आएंगी तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देने वाला साइंटिस्ट एक ही है ये मत सोचना अलग अलग साइंटिस्ट है दोनों दोनों एक ही हैं ठीक है ये एक ही चीज का उपज है यू कैन सी दिस ड्यूरिंग द अर्लियर इन्वॉल्व हैंड टूल्स हाथ से काटते थे विच वर ऑफ एन लेंथी ड्यूरेशन बहुत ही लंबा समय लगता था तो जोसेफ बिटवर्थ का कहना था कि चेंज दिस बाय क्रिएटिंग द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन द मिड ऑफ 1800 ठीक है ना रोटेटरी ज्वाइं ऑफ द कनेक्टेड आर्म बात समझ में आया देख लो पूरी हिस्ट्री है दिस इज दिस्ट्री बिहाइंडीक है ना तो गाइज अगर मैं इस, इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट से देखो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इंपैक्टेड द द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साइज की बात है कि लोग हाथ से कटिंग करते थे जिसके कारण ड्यूरेशन का टाइम होता था जैसे मान लो आपका कुछ चीज बन रहा है हाथ से हैंडमेड बना रहे है, बहुत टाइम लगता है टाइम टेकिंग लगता है काटना उसमें टाइम बहुत लगता था तो उसके लिए इसने क्या किया एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनाया जो कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन निकल के आया ठीक है ना तो ये चीज था ध्यान रखिएगा डियर चीज था सोम का कोर्स आज से ही कंटिन्यू हो रहा है डोंट टेक एनी टेंशन मैं मतलब जो है मेरा स्पेशल क्लास का वो आज से ही कंटिन्यू हो रहा है टेंशन ना लो ठीक है ना अब देखो इसका एप्लीकेशन कहां कहां करते हैं फिर मैं इसके बारे में बताता हूं शेपर मशीन स्क्रू प्रेस यू कैन सी दिस पावर ड्राइव सो ठीक है ना मतलब हर एक चीज आप देख रहे हो तो मैकेनिकल एक्सुलेटर रिवॉल्वर मैकेनिज्म रिवॉल्वर आप लोग जानते हो रिवॉल्वर मैकेनिज्म ठीक है ना तो विटवर्थ ने जो भी एक काम किया ना विटवर्थ ने जो ये सोच रखी है अपनी कि यार क्विक रिटर्न में हो जाएगा देखो आपको ये दिख रहा आपको ये, ये मैकेनिज्म देखो कितनी हाई स्पीड में चल रहा है कटिंग ठीक है ना आप देख रहे होगे ठीक है ना रिटर्न जल्दी है और कटिंग ज्यादा है यू कैन सी दिस ठीक है ना तो गाइज विटवर्थ ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो क्विक रिटर्न बेसिस पे था रिटर्न उसका जल्दी था और कटिंग ज्यादा लंबा था आओ मैं अब स्टार्ट करता हूं विटवर्थ सर विटवर्थ के बारे में तो समझ गए विटवर्थ ने ही दोनों चीजें दी हैं, ठीक है ना तो गाइश यहां क्या फिक्स है सेकेंड निर्वर्जन में क्रैंक फिक्स है मेरे बच्चे ध्यान सुनना क्रैंक फिक्स है यहां क्या फिक्स है बेटा यहां क्रैंक फिक्स है न सी दिस जो मैंने रेड बनाया क्रैंक और एक चीज ध्यान रखना जरूरी नहीं है सिस्टम में क्रैंक है तो रोटेट कोई और नहीं कर सकता रोटेट कर सकता ऐसा नहीं है कि सिस्टम में दो क्रैंक नहीं है सिस्टम में दो क्रैंक भी हो सकते हैं दो से ज्यादा क्रैंक भी हो सकते हैं भाई ठीक है ना ध्यान से और एक चीज और बताओ एक और मजा की बात बताता हूं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जब सिस्टम में आया तो लोगों को समझ में आया कि चार से ज्यादा लिंक से का के साथ हम कैसे खेल खेल सकते हैं आपको यहां जितने भी लिंक दिख रहे हो मैं आपको बता दूं उसमें दो जोड़ लेना उससे ज्यादा लिंक होता है सीधे एक दो यहां एक स्लाइडर तीन और एक चार हमारा काम चार से है बट एक पांच एक छ और एक टूल सात लिंक तक को हैंडल करना हमें समझा दिया किसने विटवर्थ ने यह इसके पीछे की सच्चाई अभी मैं धीरे धीरे समझा दूंगा देखते रहो

सिस्टम में दो क्रैंक <laughs> so क्या दिक्कत है तो दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक ड्राइविंग क्रैंक क्या करेगा रोटेट कराएगा क्या कराएगा रोटेट कराएगा। ना मेरे बच्चे सुनते रहना ध्यान से। ये क्या है सर दिस इज द स्लाइडर ये क्या है मेरे बच्चे सर ये स्लाइडर ये क्या है मेरे बच्चे सर ये स्लाइडर है ठीक है भाई एक स्लाइडर भी हो गया सिंगल स्लाइडर पढ़ ही रहे हैं हम लोग इन्वर्जन किसका कर रहे हैं सिंगल स्लाइडर का तो एक स्लाइडर है अच्छा ये क्या है सर ये है स्लॉटेड बार क्या है स्लॉट कटा हुआ बार स्लॉट कटा हुआ अच्छा स्लॉटेड बार का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता देता तो। हूं एक ऐसा बार जिसके अंदर स्लॉट कटा हुआ हो मतलब एक गैप हो ठीक ना जिसके अंदर ये जो हमारा स्लाइडर है कभी यहां कभी यहां तो कभी यहां है ना मोशन कर सके स्लाइडर हमारा उसके अंदर मोशन कर सके बात समझ में आया स्लाइडर हमारा उसके अंदर क्या कर सके बेटा मोशन कर सके तो दिस इज द स्लॉट स्लॉट मतलब क्या होता है स्लॉट कट किया गया है स्लॉटेड ये क्या है बेटा दिस इज द स्लॉटेड बार गेटिंग क्लियर ना तो गाइज यहां चार लिंक जो हमारे हैं वो मैं आपको बताता हूं दिस इज माई लिंक दिस इज माई लिंक दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक दिस इज स्लाइडर दिस इज स्लॉटेड तो यहां चार लिंक है यहां चार लिंक है क्योंकि हम जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन पढ़ रहे हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में चार लिंक होता है जिसमें एक स्लाइडिंग पेयर और तीन टर्निंग पेयर होता है मैं आपको वो भी गिना सकता हूं मैं वो भी गिना सकता हूं मेरे बच्चे मैं यहां भी दिखा सकता हूं ठीक है ना देखो एक टर्निंग दूसरा टर्निंग तीसरा टर्निंग तीन टर्निंग और एक स्लाइडर चार तीन टर्निंग एक स्लाइडिंग ये हो सकता है अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से ये ऐसे गया है अब यहां से एक लिंक हमने एक्स्ट्रा लगाया है इसके अंदर और यहां से हमने क्या लगाया बेटा लोग कहते हैं कनेक्टिंग रोड एक्स्ट्रा कहां से आ गया ये कनेक्टिंग रोड इसका हिस्सा नहीं है नहीं बेटा जो काम कनेक्टिंग रोड करता है वो काम ये लिंक कर रहा है इसीलिए इसका नाम कनेक्टिंग रोड रखा है और कोई रीजन नहीं मैं आपको बताता हूं देखिएगा इसका काम क्या है सर जी ऑसिलेट करना रॉकर रॉकर की तरह ही तो काम करता है कनेक्टिंग रॉड ठीक है ना तो आप लोग ये मत सोचना कि सिस्टम में कनेक्टिंग रॉड होना चाहिए था यार ये कनेक्टिंग रॉड वहां है तो सर ने तो इतना ही लिंक काउंट किया इतना मत सोचना ठीक है ना कनेक्टिंग रॉड का अगर काम कर रहा है तो उसका नाम कनेक्टिंग रॉड होगा ध्यान से क्रैंक जैसा काम कर रहा है तो क्रैंक फिक्स होने के बाद भी मैंने इसका नाम ड्राइविंग क्रैंक रखा है ध्यान से ठीक है ना तो जैसा काम वैसा तो गैज, ये इसके साथ जुड़ा है रैम और रैम क्या के लगा होता है टूल मैं अब आपको इसका वैल्यूएशन दिखाता हूं यू कैन सी दिस यहां क्या होता है आप सोच रहे हो यार क्रैंक फिक्स होता है तो ये रोटेशन क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूं ये पीछे जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये क्या है सर दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक ये जो ब्लू कलर का आप ये मोशन देख रहे हो बच्चा ये ब्लू वाला क्या है दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक क्या है बेटा ड्राइविंग क्रैंक अब मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो पिछले फिगर पे चलता हूं मेरी बात सुनो यार मैंने यहां फिक्स किया यहां फिक्स किया इनके बीच में मैंने सेंटर डिस्टेंस फिक्स कर दिया मैं कहता हूं बेटा इसको ओरिजिनल डायग्राम में अगर मैं लेकर जा रहा हूं ठीक है ना तो भाई क्या वो फिक्स लिंक हमें दिखाई दे रहा है नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि उसको मैंने एक पॉइंट कंसीडर करके पीछे कर दिया है इस ब्लू कलर की व्हील के पीछे वो लिंक क्या है बेटा फिक्स है उसका सेंटर क्या है देखो फिक्स है आप देख पा रहे हो फिक्स है और यहां से ये पॉइंट देखो ध्यान से ये आपस में पीछे की ओर क्या है बेटा फिक्स है यू कैन सी दिस और ये हमारा व्हील क्या है दिस व्हील इज ड्राइविंग क्रैंक ड्राइविंग क्रैंक देख सॉरी व्हील व्हील के साथ ये भी है ना ये वाला जो लिंक है ये लिंक क्या है बेटा दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक सी दिस ये व्हील इसी लिंक के साथ जुड़ा हुआ है क्लियर ना अब ये ग्रीन वाला क्या है सर ग्रीन वाला है स्लॉटेड बार ग्रीन वाला स्लॉटेड बार ओके ये हमारा क्या है बेटा स्लॉटेड बार ठीक है और बीच में क्या लगा है दिस इज द स्लाइडर ना ऊपर में क्या लगा बेटा यहां से हमारा एक काम कर लो ऐसे कनेक्टिंग नॉट की तरह तुम सोच लो एक पिन है जो इसको धक्का दे रहा है अब अपन क्या करते हैं इसी के ऊपर में यही इसी किसी इसी, इसी येलो वाले के ऊपर में अपन क्या करते हैं बेटा इसी के ऊपर में अपन क्या करते हैं डियर हम लोग रैम लगाते हैं और टूल लगाते हैं तो माई डियर फ्रेंड प्लीज सी दिस ठीक है ना प्लीज सी दिस गाइड प्लीज सी दिस यहां क्या-क्या है क्रैंक फिक्स है दिस इज द ड्राइविंग क्रैंक दिस इज द स्लाइडर दिस इज द स्लॉटेड बार नाउ अब सुनिएगा मेरी बात आप लोगों ने इसको पूरा देखा आपको क्या लगता है व्हाट इज द ड्रॉबैक या मतलब क्या ऐसी कमी रह गई मेरा क्वेश्चन ये है क्या ऐसी कमी रह गई जो विटवर्थ को क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर बनाना पड़ा क्या ऐसी कमी रह गई जो विटवर्थ को क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर बनाना पड़ा सर उस कमी के लिए आपको पूरा चीज ध्यान से देखना पड़ेगा देखिएगा ध्यान से अब मैं आपको इसके डायग्राम की बात बताता हूं सुनना मेरी बात ध्यान सुनना देखो होता क्या है देखो होता क्या है मैंने एक पॉइंट यहां कंसीडर किया ठीक है और एक पॉइंट यहां कंसीडर किया इस स्लॉटेड बार में एक पॉइंट यहां ठीक है ना और एक पॉइंट यहां ये यह दो पॉइंट कंसीडर किए मैंने एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां अब क्या होगा जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट अपना एक सर्किल बनाएगा बोलो हाँ या ना बिल्कुल और ये वाला पॉइंट एक सर्किल बनाएगा बोलो हाँ या ना बिल्कुल गाइज ये दोनों सर्किल आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही है जी सर गाइज़ मैंने ये दो पॉइंट क्यों कंसीडर किया आपने सोचा सर मैंने ये दो पॉइंट इसलिए कंसीडर किया यू कैन सी दिस जब मैं इस पॉइंट से कोई सर्किल बना रहा हूं तो उस सर्किल का सेंटर ये है और जब मैं इस पॉइंट से कोई सर्किल बना रहा हूं तो उस सर्किल का सेंटर ये है यहां से बना रहा हूं तो ये सेंटर है दिस इज माई रेडियस यहां से बना रहा हूं तो ये है दिस इज माई रेडियस अब ये दोनों सर्किल आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही है डियर और इस पे तो फिगर सही से नहीं है इसमें क्या कर रही है कहीं ना कहीं आपस में क्या करती है कट करती है तो ये चीजें जो आपस में कट करती है ना यही डिफाइन करती है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक को ठीक है ना कि हमारा टूल कितना आगे जाएगा द स्ट्रोक कितना आगे जाएगा जैसे आप यहां देख रहे हो हमारा टूल हमारा टूल यहां था अब यहां से कितना आगे जाएगा सो दिस इज वॉट दिस इज द स्ट्रोक तो स्ट्रोक लेंथ हम लोग देखते हैं ठीक है ना यू कैन सी दिस तो हमें स्ट्रोक देखना होता है ना अच्छा आपने इसका नाम क्या पढ़ा दिस इज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पढ़ा जी सर क्विक रिटर्न का मतलब क्या है मेरे बच्चों ध्यान सुनते रहना या yeah. मेरे बच्चों ध्यान सुनते रहना क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब क्या है क्विक रिटर्न हो रहा है क्या हो रहा है क्विक रिटर्न हो रहा है तो दो स्ट्रोक है एक है कटिंग एक है रिटर्न देखो ना पीछे मैंने यहां दिखाया है कटिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक कटिंग इधर होता है रिटर्न इधर होता है बोलो हाँ यहां क्विक रिटर्न का मतलब है रिटर्न स्ट्रोक इज मोर फास्टर देन कटिंग बहुत ज्यादा फास्टर होता है तुरंत वापस आ जाता है अगर आप कटिंग स्ट्रोक कर रहे हो तो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से अगर आप कटिंग स्ट्रोक कर रहे हो मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ठीक है ना यू कैन सी दिस यहां आपको दो एंगल दिखेगा एक ऊपर में और एक कहां दिखेगा नीचे आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहां आपको दो एंगल दिख रहा है एक ऊपर एक नीचे नाउ यू कैन सी दिस ऊपर वाला एंगल क्या है बीटा नीचे वाला एंगल क्या है अल्फा अब ये आपके ऊपर है आप क्या कंसीडर करते हो ऊपर वाला बीटा नीचे वाला अल्फा अब मेरे को बताओ कि रिटर्न कौन सा है कटिंग कौन सा है सर रिटर्न ऊपर वाला एंगल है और कटिंग सर कटिंग नीचे वाला एंगल है, है कि नहीं गाइज यू कैन सी दिस ऑलवेज हमेशा ध्यान रखोगे हमेशा कि कटिंग इज ग्रेटर देन रिटर्न है कि नहीं तो गाइज कटिंग एंगल भी रिटर्न एंगल के क्या होगा ज्यादा होगा कौन सा एंगल बड़ा है अल्फा बीटा से बड़ा है. तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। बोलो हा या ना तो रिटर्न एंगल जो है कटिंग एंगल से छोटा होता है या कटिंग एंगल एंगल रिटर्न से बड़ा होता है ना मेरे बच्चे थोड़ा तो को धीरे धीरे समझो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ठीक है ना बस फोकस क्या करना है आपको कि यार यहां जो रिटर्न है वो ऊपर है और कटिंग जो है वो नीचे है ठीक है ना मतलब सिस्टम में जब पिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो कटिंग हो रही है ठीक है ना समझो देखो जब पिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो कटिंग हो रही है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है तो कटिंग हो रही है फिर वापस आ गया फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो कटिंग हो रही है देखो देखो जब ऊपर से नीचे आ रहा है सिस्टम वापस आ रहा है रिटर्न स्ट्रोक है जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो कटिंग हो रही है देखो हाँ और नो यस और नो बस ये बताओ यस और नो इधर की ओर क्या हो रही है कटिंग ठीक है जब नीचे से ऊपर जा है तो क्या हो रही है कटिंग देखो इज क्लियर जब विटवर्थ ने ये चीज देखा और ऑब्जर्व किया जब विटवर्थ ने ये चीज देखा और ऑब्जर्व किया मेरे बच्चे एक चीज बताओ मेरे को ये कैसा है सर दिस इज द एंटी क्लॉक वाइज बोलो हायन

आईसी इंजन का एक हिस्सा है ना कि भाई हमारा स्लाइड सिंगल किसका आईसी इंजन का मेरे मेरे बच्चे को बताओ तुमने दुनिया भर की सारी साइकिल पढ़ ली है साइकिल सारी पढ़ी है मैंने सारा साइकिल मुझे भी आता है कौन सा होता है तो तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज साइकिल तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज साइकिल अब वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल कौन सी होती है सर तुम बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज Now, अब मैं आपको आपकी ही भाषा में सुनाता हूं यह क्या है एंटी क्लॉकवाइज अगर यह एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तब कटिंग हो रहा है यह फायदेमंद है कि क्लॉकवाइज में घूमे और फिर कटिंग करे फायदेमंद है सुनिएगा मेरी बात विटवर्थ को यह सारी चीजें धीरे धीरे सब चीजें समझ में आई कि यार यहां तो हमने एक गड़बड़ कर दी है कटिंग जो है हमारा वो नीचे से है तो कटिंग करने में थोड़ा सा हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रोक उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है बात समझ में आ रही है बात तो समझिएगा अगर मैं बात करना चाहूं मेरे बच्चे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन यहां देखो सी दिस ठीक है ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस चीज को फील करो क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर को क्रिटर्न मोशन में जब सिस्टम ऊपर से जाता है सुनिएगा यहां जो है यहां नीचे से जाएगा तो ये होगा और वहां सिस्टम ऊपर से जाएगा मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक का जो था ना जो कटिंग लेंथ था उसका कुछ डायवर्सन था ठीक है ना ये छोटा सा ड्रॉबैक था इसके अंदर ना डाई सी दिस यहां दो स्ट्रोक है कटिंग एक रिटर्न ठीक है ना ये हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड है ये हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड है और ये हमारा विटवर्थ दिस इज माई विटवर्थ ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर ठीक ना एंड दिस इज माई क्रैंक एंड स्लॉटेड, देखो नीचे से आया तो वापस और ऊपर से गया तो आगे सो दिस इज माई क्रैंक एंड स्लॉटेड एंड दिस इज माई विटवर्थ इज दैट क्लियर बोलो ना, वेरी क्लियर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड चलो बच्चे लोग यू कैन सी दिस अब मैं अगर बात करना चाहूं अल्फा और बीटा दो एंगल है कटिंग एंड रिटर्न क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अगर मैं इसकी चर्चा करना चाहूं क्विक क्विक रिटर्न रिटर्न मैकेनिज्म मैकेनिज्म की तो के अंदर मेरी बात पूरा ध्यान सुनना क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर मेरे बच्चे सिस्टम में क्विक रिटर्न हो रहा है उसके कारण क्विक रिटर्न रेशियो बना मैं अब आपको तो क्विक रिटर्न रेशियो पे लेकर चलता हूं यहां क्या बना बेटा क्विक रिटर्न रेशियो क्यू आर आर क्या होता है बेटा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है पहला पॉइंट अगर ये ग्रेटर देन वन होता है इसका मतलब है बड़ा अपॉन छोटा अरे भाई ग्रेटर देन वन कब कोई होता है बिगर अपॉन स्मॉलर हा है ना है ना भाई बिगर क्या है कटिंग एंगल रिटर्न क्या है छोटा है ठीक है तो बिगर अपॉन स्मॉलर बिगर क्या है भाई तो मेरे बच्चे अब मैं आपको यहां सिखाता हूं क्विक रिटर्न रेशियो देखिए मुझे भी पता है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन एक दिन में नहीं खत्म होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है बोलो हा या ना हमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बोलो हाँ या ना करनी है ना तो बस फोकस करो क्विक रिटर्न रेशियो की अगर मैं चर्चा करना चाहूं दिस इज द अल्फा अपॉन बीटा जी सर अभी तक मैं एक चिंटू भागता हुआ आया मैंने कहा क्या हुआ ठीक है ना भागता हुआ है कहता हैं सर सर अल्फा और बीटा का अगर हम सम कर दें तो कितना होगा मैंने कहा 360 डिग्री होगा होगा हा या ना बिल्कुल बिकॉज दिस इज द कंप्लीट रोटेशन एक कंप्लीट रोटेशन है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन द एंगल इज थ्री सिक्सटी डिग्री व्हाट इज द अल्फा थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस बीटा एंड वॉट इज द बीटा सर थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस अल्फा बोलो या ना यस yes और तो इस अल्फा की जगह अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस बीटा वाई बीटा और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से ठीक है ना अल्फा की जगह अगर आप अल्फा रखें तो बीटा की जगह ये लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस अल्फा मेरी बात समझ में आई हम चाहे तो ये लिख सकते हैं चाहे तो ये लिख सकते हैं बोलो हाँ या ना इसको मैं बगल में लिखता हूं बोलो यस और नो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं सर अब सुनते रहिएगा ध्यान से अल्फा क्या है सर जी ये कटिंग कटिंग एंगल बीटा क्या है सर जी ये रिटर्न एंगल सुनते रहना कटिंग एंगल रिटर्न एंगल बेटा इसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं कटिंग स्ट्रोक टू तो द रिटर्न स्ट्रोक इस नाम से भी फेमस है अच्छा इसी को हम एक और भाषा में कहते हैं कटिंग स्ट्रोक किधर होता है सर फॉरवर्डेड मोशन रिटर्न स्ट्रोक बैकवर्ड मोशन तो फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड भी कहते हैं ध्यान रखिएगा अदरवाइज एक और नाम से जाना जाता है टाइम टू कट एक बार आई एस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया टाइम टू रिटर्न एक क्वेश्चन तो कैसे आया क्वेश्चन बहुत ही आसान था मतलब उस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था ये वाला कि अगर मान लीजिए पांच सेकंड काटने में लगा और वापस आने में दो सेकंड लगा पांच सेकंड काटने में लगा और वापस आने में दो सेकंड लगा तो व्हाट इज द कटिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या बोला कटिंग रेशियो तो क्विक रिटर्न रेशियो का एक और नाम है फेमस नाम कटिंग रेशियो क्विक रिटर्न रेशियो का एक और नाम है मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा कटिंग रेशियो क्विक रिटर्न रेशियो का एक और नाम है ध्यान रखिएगा कटिंग रेशियो क्विक रिटर्न रेशियो का एक और नाम है कटिंग रेशियो आई एस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया लिख लीजिएगा मैंने तो मुझानी याद है कि पांच सेकेंड में काटा गया और दो सेकेंड में वापस आ गया तो बताइए कटिंग रेशियो कितना था क्विक रिटर्न रेशियो नहीं पूछा कटिंग रेशियो पूछा यू कैन सी दिस ठीक है ना बात समझ में आया तो वट इज द कटिंग रेशियो सर टाइम टू कट टू द टाइम टू रिटर्न फाइव बाई टू आंसर इज टू पॉइंट फाइव इज द कटिंग रेशियो टू पॉइंट फाइव रेश टू वन और फाइव बाई टू इज द कटिंग रेशियो आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला समझ में आया बोलो हाँ या ना क्योंकि आपके एग्जाम में पता नहीं है कि क्विक रिटर्न रेशियो देगा कि कटिंग रेशियो देगा क्योंकि बहुत सारे नए नए टर्म यूज करने लग गए एग्जाम में ठीक है ना तो इतनी सारी चीजें क्विक रिटर्न रेशियो को ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है इतना सभी को इतना क्लियर है जल्दी जल्दी बताओ अरे बाबा गेटिंग क्लियर बोलो हां या ना गेटिंग क्लियर 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 यस 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 तो गाइज अब बारी आती है कि सर हम याद कैसे रखेंगे कि क्रैंक फिक्स होगा तो विटवर्थ बस तू वेट कर लो थोड़ा सा क्या कर लो वेट कर लो अभी सब याद हो जाएगा ठीक है ना कि क्रैंक अगर है तो किस तरीके से ये है अभी सबसे याद हो जाएगा सुनते रहो बस अगला वाला पढ़ा दूंगा ना तो उससे मैं जुगाड़ एक है मेरे पास तो विटवर्थ में क्या हुआ क्रैंक फिक्स है तो उस हिसाब से हमने यहां देखा सारी चीजें ठीक है ना और मेरे हिसाब से आई थिंक आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली ये सर्किल कैसे बना समझ गए ये सर्किल जब दो पॉइंट पे कट करते हैं अरे यार डिलीट हो गया ये सर्किल जब दो पॉइंट पे कट होते हैं मेरे बच्चे यहां और यहां तो इनके बीच में ये क्या है सर जी ये स्ट्रोक है सर जी ये क्या है ये स्ट्रोक है ठीक है ना तो भाई ये चीजें थी तो इस चीज पर थोड़ा सा फोकस रखेगा विटवर्थ से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे इस बार एग्जाम में बना गेट 2021 के अंदर गेट 2021 के अंदर विटवर्थ से क्वेश्चन क्वेश्चन बना है वो मैं कल लाकर दिखा दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं ये भी बता भी दूंगा आपको कैसे करना है इज दैट क्लियर इतना क्लियर है ना no. विटवर्थ में अभी क्वेश्चन की चर्चा नहीं करेंगे क्वेश्चन की चर्चा क्विक रिटर्न की मैं एक ही दिन में करूंगा क्वेश्चन की चर्चा मैं एक ही दिन में करूंगा और वो दिन है कल ठीक है ना क्योंकि कल मैं क्रैंक एंड स्लॉटेड के क्वेश्चन की भी बात करूंगा तो उसी के साथ साथ विटवर्थ के क्वेश्चन की भी बात करूंगा अगला आता है सेकेंड इनवर्जन के अंदर जहां क्रैंक फिक्स था जहां क्या फिक्स था क्रैंक उसके अंदर आता है रोटरी इंजन बेटा आप लोग को बताते हुए मुझे खुशी होगी कि रोटरी इंजन का दूसरा नाम है जिनोम इंजन रोटरी इंजन का दूसरा नाम है जिनोम इंजन इसी का एक और नाम है रोटरी इंजन या इसी का एक और नाम है बताएगा कोई कौन सा नाम है एक और नाम है रोटरी इंजन जिनोम इंजन फटाफट बताओ एक और नाम है डियर एक और नाम से फेमस है रोटरी इंजन या जाइनोम इंजन अच्छा जिनोम इंजन की कहानी सुनाता हूं शायद आप लोगों को ना पता हो मैं आप लोगों को बताता हूं हुआ क्या वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड वॉर वन प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था आप लोग बताओ फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री सुनाता वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था किसी को नहीं पता नहीं पता ईयर नहीं पता ईयर नहीं पता जल्दी बताओ चलो मैं बताता हूं वर्ल्ड वॉर अच्छा चलो बता दिया किसी ने अरे वाह 1916, सौ सोलह उन्नीस अरे भाई 1945 में दूसरा हो गया था दूसरा हो गया कंप्लीट भी हो गया था आई थिंक हाँ मतलब 1914 से 1920 के बीच में जो भी हुआ था ऐसा कुछ था हुआ क्या जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था ना तो सबसे बड़ा जो देश था जो मतलब लड़ने के आगे आया था ठीक है ना सबसे बड़ा देश जो था उस समय लड़ने के लिए आया था अमेरिका ठीक है ना यूएसए उस समय लड़ने के लिए सबसे आगे मतलब सबसे शक्तिशाली देश के अंदर की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था अपन तो वर्ल्ड वॉर वन में लड़े ही नहीं अपन तो आजादी के लिए लड़ रहे थे यहां ठीक है ना उधर जो वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था मैं उधर की बात बता रहा हूं ठीक ना तो उधर क्या था सबसे शक्तिशाली में अमेरिका था सेकंड वाले में जर्मनी हुआ था ठीक ना तो मैं बात कर रहा हुआ क्या कि अब जैसे फाइटर प्लेन्स थे फाइटर प्लेन्स पहले क्या होते थे फाइटर प्लेन्स जो होते थे उसमें नॉर्मल इंजन लगा होता था जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल इंजन लगा होता था फाइटर प्लेन्स में फाइटर प्लेन होते ना जिसके अंदर तुम देखोगे ठीक ना ना मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से आप लोग तो इतना पबजी खेल चुके हो कि आप लोगों को तो फाइटर प्लेन बताने की जरूरत ही नहीं है ठीक अब सुनिएगा मेरे बात ध्यान से जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ ना तो ये फाइटर प्लेन जो थे जाते तो थे लड़ने लड़ भी लेते थे लेकिन वापस जो है ना अगर सौ फाइटर प्लेन गया है तो वापस सिर्फ दस आते थे दस बारह पंद्रह ऐसे वापस आते थे लोगों को लगता था कि सब मर जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता था जो यूएसए की सेना थी ना वो किसी की गोली का शिकार नहीं होती थी वो अपने खुद के फाइटर प्लेन का शिकार होती थी रीजन बिहाइंड क्षमता कम था इंजन के अंदर क्वालिटी कम थी इंजन का क्षमता कम था ठीक है ना क्षमता मीन्स आप तो मतलब आप समझ सकते हो इंजन का पावर जो है अंदर का ठीक है ना तो वो हमारा कम पड़ रहा था दूसरा चीज इंजन के अंदर आ, आपका

धीरे धीरे पता लगाते 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 पता चल गया कि यार यहां ना कुछ इंजन के अंदर ही दिक्कत है ठीक है ना मेरी बात समझिएगा तो फिर एक ऐसा इंजन बनाया गया सुनिएगा एक ऐसा इंजन बनाया गया जिसके अंदर एक सक्शन एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन एक एग्जॉस्ट एक एक ना होकर एक साथ कई सारे कई सारे प्रोसेस होंगे यू कैन सी दिस अगर किसी के अंदर सक्सन हो रहा है तो किसी के अंदर कंप्रेशन तो किसी के अंदर एक्सपेंशन तो किसी के अंदर एग्जॉस्ट कई सारे मोशन नाउ माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस ठीक है ना देखो ध्यान से आप ये मोशन ये घूमते हुए देख लो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में ये जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए अब देखो मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता ये वही जीनोम इंजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं एक सिलेंडर दो सिलेंडर तीन सिलेंडर चार सिलेंडर पांच सिलेंडर छह सिलेंडर सात सिलेंडर आठ सिलेंडर नौ सिलेंडर नौ सिलेंडर का हमेशा ऑर्डर में होता है इवन में नहीं होता ठीक है आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने बचपन में डिस्कवरी वगैरह देखा होगा कि पुराने जमाने में ये फाइटर प्लेन कैसे चलते थे पायलट क्या करता था इसके विंग्स को पकड़ता था और ऐसे रोटेट कर देता था कैसे मैंने यहां एक फिगर भी दिया आपको विंग के बगल में लगा है ना इसको ऐसे रोटेट करते थे विंग को पकड़ के ऐसे रोटेट करते थे ठीक है ना देखो ध्यान से विंग को पकड़ के क्या करते थे बेटा ऐसे रोटेट करते थे जब ये रोटेट करते थे तो विंग के अंदर क्या होता था इंजन स्टार्ट होता था बात समझ में आया तो कोई ऐसा डिवाइस नहीं था कि यहां से ये फाइट ये पायलट बैठे हुए ये दोनों पायलट बैठे हुए हैं पायलट वहीं से नहीं चला रहे बेटा यहां से चलाया जाता था इंजन स्टार्ट किया जाता था जैसे आजकल तुम देखते हो किसी किसी ऑटो में ऑटो नहीं स्टार्ट होता ऑटो ड्राइवर का तो वो क्या करता है एक रस्सी बांधता है और पकड़ के खींच देता है और ऑटो स्टार्ट हो जाता है देखा है कभी कभी देखा है चाबी ना लगे तो भाई वो रस्सी लपेटता है और रस्सी पकड़ के खींच देता है इंजन स्टार्ट हो जाता है तो क्या इंजन स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए बेसिकली हमें इनिशियली स्टार्टिंग के लिए रोटेशन चाहिए जैसे बाइक को स्टार्ट करने के लिए हम किक मारते हैं ठीक है ना रोटेट करते हैं वैसे इसको भी स्टार्ट करने के लिए रोटेशन चाहिए तो रोटेट करते थे ये पाई, ये पायलट जो थे वो इनको रोटेट करते थे तब ये स्टार्ट होता था ठीक है ना सो so, मेरे भाई यहां देखो ये यह जो रोटेट हो रहा है रोटेट होने का मतलब समझ में आगे क्या है क्योंकि ये रोटेशन के साथ काम करेगा अब देखो यहां तुम गौर से देखो मैं सामने से हट जाता हूं तुम गौर से देखो एक सिलेंडर ऐसा है ये ये वाला सिलेंडर आप देखो जिसके अंदर सारा प्रोसेस करते हुए दिखाया गया है देखो तुम उस सिलेंडर को ध्यान से देखो उसके अंदर सक्शन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है सॉरी हाँ और एग्जॉस्ट हो रहा है यू कैन सी दिस आप देखो ध्यान से और मेरे बच्चे इसके साथ साथ अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया अब इसके साथ साथ अपनी आंखें खोलो थोड़ा जूम करके देखो ये क्या है सर जी ये क्या है ठीक है ना हिप्नोटॉइस तो नहीं हो रहे हो है ना कुछ बच्चे कहेंगे हम तो हिप्नोटॉइस हो रहे हैं आ, क्या कह रहे हो पटना में नाइनटी नाइन परसेंट ऑटो वाले ही करते हैं है ना तो जूम करके देखो ये क्या है सर जी ये फिक्स देखो फिक्स है बोलो कैलेंडर हाँ पे मत जाओ ठीक है ना ये क्या है ये फिक्स है ये वो हमारा क्या बेटा वो हमारा फिक्स पार्ट गाइज अगर ये फिक्स है नो माई डियर फ्रेंड एट दिस अगर ये फिक्स है तो ये क्या है सर दिस इज द क्रैंक दिस इज द क्रैंक, है ना क्रैंक हमारा क्या है फिक्स है और ये सब ड्राइविंग क्रैंक है जो रोटेट कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात पहला क्वेश्चन हम इसका यूज क्यों करें मैंने कहा यार एक चीज बताओ सुनिएगा ध्यान से पहला क्वेश्चन है मैं इसका यूज क्यों करूं मैंने कहा यार भाई एक आध दो चीजें जरा सोचो अगर चार सिलेंडर होता तो किसी में सक्शन किसी में कंप्रेशन किसी में पावर स्ट्रोक बोले एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बेटा पावर स्ट्रोक कितनी में एग्जॉस्ट हो रहा होता है कि नहीं मेरे बच्चे अब ये बताओ अगर मैं चार सिलेंडर कंसीडर करूं अगर मैं चार सिलेंडर कंसीडर करूं तो एक में सक्शन दूसरे में कंप्रेशन तीसरे में एक्सपेंशन चौथे में एग्जॉस्ट हो जाए है ना सुनिएगा मेरी ये बात सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है जीनोम के लिए भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है क्या क्या क्वेश्चन है सर क्वेश्चन ये है कि जीनोम इंजन में ऑड नंबर में सारे सिलेंडर क्यों होते हैं इवन में क्यों नहीं होते हैं मतलब नहीं समझा सर गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन क्या है ऑड गिनो एक दो तीन चार पांच ऑड है पांच क्या है ऑड है चलो गिनो याने गिन पाओगे यहाँ कंफ्यूजन होगा चलो यहाँ गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ ऑड है वाई सर वाई। ये चीज तो समझने वाली है इसको तो लोग छोड़ देते हैं कि वाई जिनोम इंजन हैज नंबर ऑफ सिलेंडर वाई नॉट इवेंट किसी फिगर में इवेंट दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया और मैं इसकी तैयारी करके भी नहीं आया था कि तुमको इवेंट दिखाई देगा इवेंट होता ही नहीं है अगर कहीं तुमने इवन बनाया तो गलत है तो यहां भी हमारा क्या है नाइन देखो नाइन सिलेंडर सेवन सिलेंडर और फाइव सिलेंडर आपने तीन टाइप के सिलेंडर देखे मैं आपको दिखाता हूं अगर मैं कहता हूं एक सिलेंडर है तो उसमें क्या हो रहा होगा मान लीजिए सक्स दूसरे सिलेंडर में एट ए टाइम क्या हो रहा होगा कंप्रेशन तीसरे सिलेंडर में क्या हो रहा होगा पावर स्ट्रोक और चौथे में क्या हो रहा होगा एग्जॉस्ट मेरे भाई अब ध्यान से सुनना तुमको पता है ये बात में हमारा काम खराब होता है कंप्रेशन में कुछ ज्यादा ही खराब होता है बस हमारा पैसा कमा के देने वाला एक ही है दैट इज द पावर स्ट्रोक फिर यहां खर्चा हो जाता है तो आई थिंक ये आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम तीन प्रोसेस में है लेकिन कमाने वाला सिस्टम एक है पावर स्ट्रोक है कि नहीं अगर मैं चार सिलेंडर लगा देखो अगर मैं एक सिलेंडर लगाऊं तो हमारे पास इतना पावर नहीं आ पाएगा क्यों कि अगर मैं एक सिलेंडर लगाऊं तो वही सिलेंडर सक्शन वही कंप्रेशन वही एक्सपेंशन, वही एग्जॉस्ट बात समझ में आया अगर मैं सिर्फ चार लगाऊं, अगर मैं यहां क्या करूं चार लगाऊं। तो चार लगाएंगे तो एक में सक्शन दूसरे में कंप्रेशन तीसरे में एक्सपेंशन बोले तो पावर स्ट्रोक और चौथे में एग्जॉस्ट अगर मान लो

एट ए टाइम अगर ऐसा हो गया तो एक सिलेंडर के अंदर एक ही पावर स्ट्रोक मिलेगा मेरे बच्चे ध्यान से सुनते रहो जी सर तो फिर चार का है लगाया अगर ऐसा हो गया तो फिर चार क्यों लगाए तो एक ही पावर स्ट्रोक लेना है तो एक सिलेंडर लगाओ का लो है ना तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा एक काम करते हैं एक और सिलेंडर बढ़ा लेते हैं क्या करते हैं एक और सिलेंडर बढ़ा लेते हैं तो एक और सिलेंडर बढ़ाया गया सुनिएगा एक और सिलेंडर बढ़ाया गया और ये बोला गया ये पांचवा सिलेंडर जो है ना कुछ भी कर सकता है सक्शन भी कंप्रेशन भी पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट कुछ भी कर सकता है अब साइंटिस्ट ने बोला सुनिएगा ध्यान से जब आपस में बात हो रही है साइंटिस्ट की यार अगर सक्शन हुआ तो फिर से नेगेटिव कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव पावर स्ट्रोक है तो पॉजिटिव एग्जॉस्ट हुआ तो नेगेटिव हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जरा सोचो जस्ट इमेजिन कि चार पे ये चार हो रहा है एट ए टाइम सक्शन का कंप्रेशन पावर से ग्रेट इस वाले पे अगर सक्शन हुआ तो हमारा लॉस है जाहिर सी बात है यार एक दो तीन तीन लोग पहले से खा रहे हैं एक और आ गया खाने वाला तो हमारा लॉस है ना जी सर कोई बात नहीं वेट वेट अगर मान लो फिर कंप्रेशन प्रोसेस हो गया पांचवें पे तो फिर से हमारा लॉस है लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि वेट करो इंतजार का फल मीठा होता है अगर पांचवें पे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से अगर पांचवें वाले पे अगर पावर स्ट्रोक हो गया ना तो ये सब सबका खर्चा निकाल लेगा नहीं बात समझ में आया अभी समझ में आएगा अगर तीसरे पे पावर स्ट्रोक जो हो रहा है सोचिए एक ने बाकी के तीन को संभाल रखा है तो अगर एक और आ गया तो ये सब तो कुछ है ही नहीं तो सिस्टम का पावर क्या हो गया बढ़ गया बोलो हाँ अब देखिए बाई मिस्टेक ऐसा दिमाग लग गया कि थर्ड वाला और फिफ्थ वाला अगर पावर स्ट्रोक हो जाए एट टाइम एक टाइम पे अगर ये दोनों पावर स्ट्रोक निकालने लग जाए तो, तो यार सीरियसली इतना ज्यादा पावर बढ़ जाएगा कि हमारा फाइटर प्लेन लड़ेगा और वापस भी आएगा लड़ेगा भी और वापस भी आएगा इतना ज्यादा पावर होगा और इतनी देर टिका रहेगा लड़ने के लिए बात समझ में आया यस सर एट ए टाइम ये तो, तो साइंटिस्ट ने बोला एक काम करते हैं पांच सिलेंडर बेस्ट है तो एक काम करो पांच सिलेंडर का बना लो ठीक है ना तो लोग बड़े खुश हुए सुनिएगा मेरी कहानी पूरी सुनिएगा लोग बड़े खुश हुए कि ठीक तो है तभी तक मैं एक भागता हुआ चिंटू आया कहता है सर 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 मैंने कहा क्या हुआ क्या सर पांचवा सिलेंडर लगा उसका खर्चा कौन देगा मैंने कहा चिंटू तुम एक सिलेंडर लगाए हो पांच सौ रुपया खर्चा हुआ होगा तुम्हारा और तुम्हें एक भयंकर वाला पावर स्ट्रोक मिल रहा है तुम्हारे सैनिकों की जान बच रही है तुम्हारा फाइटर प्लेन इतना जबरदस्त बन गया और कुछ चाहिए तो कहा ठीक है सर अच्छी बात है ये तो एक नया नया इंजन बन गया मैंने कहा ये हुई ना बात कहता है सर एक, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर लगाने से ऐसा हो गया तो फिर चिंटू ने यहां बैठ के सोचना शुरू कर दिया चिंटू का काम क्या था फाइटर प्लेन में लड़ना काम नहीं था उसका उसका काम था सोचना तो चिंटू ने सोचना शुरू किया और चिंटू फटाक से अगला क्वेश्चन लेकर आया कहता है सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि मैं एक और लगा दू मैंने कहा बे इधर ध्यान से देख सुनिएगा मैं अब किस पे आ गया इवेंट सक्सन कंप्रेशन पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट और मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कुछ कुछ भी हो सकता मान लीजिए हो रहा और यहाँ कंप्रेशन हो रहा है मैंने चिंटू को बोला चिंटू अगर गलती से भी ना ससुरे के अंदर सेक्शन और यहाँ कंप्रेशन हुआ तो तुम समझ रहे हो चिंटू कहता है क्या सर मैंने कहा ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कमाने वाला एक खाने वाले पांच बर्बाद हो जाएगा सिस्टम हां हाँ सर बचा लीजिए अगर छह नहीं लगा सकते तो कितना लगा सकते हैं मैंने कहा सात लगा दो कितना लगा दो सात क्योंकि अगर मान लो पावर स्ट्रोक आ गया अगला तो पावर स्ट्रोक ही आने वाला है ना अगला तो सॉरी अगला तो पावर स्ट्रोक ही आने वाला मान लो पावर स्ट्रोक आ गया तो कमाने वाले दो खाने वाले पांच काम चल सकता है तो माई डियर फ्रेंड हम सात भी लगा सकते हैं हम नौ भी लगा सकते हैं आठ नहीं लगा सकते चिंटू ने बोला क्यों सर मैंने कहा तुम आठ लगाओ लगा के देखो अगर तुम आठ लगा दिए तो अगला क्या होगा एग्जॉस्ट जी सर तो कमाने वाले दो खाने वाले फिर से कितने हो गए छह तो ये लोग तो अपना अलग अलग इंजन बना लेंगे तुम चार अलग रहो हम चार अलग रहते हैं है कि नहीं चार चार अलग अलग बना लेंगे तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं अब मैंने चिंटू से पूछा सुनिएगा वो चिंटू आप हो और इस चीज का डिसाइड आप भी करोगे ये सिलेंडर अपने पोजीशन के हिसाब से स्ट्रोक स्टार्ट करती है क्या वेट कर लो बेटा इसका आंसर एक मिनट में देता हूं बस इस चीज का जवाब दे दो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका जवाब पूछ लू पहले मेरा चिंटू से क्वेश्चन ये है कि चिंटू मेरे को ये बताओ पांच देखा सात देखा नौ देखा हर जगह तुमने क्या देखा ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर अब मेरा क्वेश्चन है कि पांच भी लग सकता है सात भी लग सकता है नौ भी लग सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आया चिंटू सुनिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया या ऑप्शन नंबर ए बी सी डी पांच सात नौ ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आया आप लोग को दिख रहा है ना ग्रीन कलर ग्रीन कलर दिख रहा है ना मैंने ग्रीन कलर था उसी से लिख दिया सुनिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया द नंबर ऑफ सिलेंडर इन जेनोम इंजन फॉर इकोनॉमिकल पर्पज फॉर इकोनॉमिकल पर्पज नंबर ऑफ सिलेंडर इन जेनोम इंजन जिनोम इंजन के अंदर नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर इकोनॉमिकल पर्पज मतलब खर्चा बचाने वाला पर्पज जल्दी बताओ खर्चा बचाने वाला पर्पज नंबर ऑफ सिलेंडर इन जेनोम इंजन नंबर ऑफ सिलेंडर इन जीनोम इंजन मेरे बच्चे मेरे क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से मेरे बच्चे मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से नंबर ऑफ सिलेंडर इन जीनोम इंजन जीनोम इंजन सुनिएगा मेरी बात नंबर ऑफ सिलेंडर इन जीनोम इंजन फॉर इकोनॉमिकल पर्पज इकोनॉमिकल पर्पज के हिसाब से नंबर ऑफ सिलेंडर जिनोम इंजन के अंदर कितने होते हैं पांच सात नौ या ऑल फॉर इकोनॉमिकल पर्पज माई क्वेश्चन इज मैं लिख भी देता हूं फॉर फॉर इकोनॉमिकल पर्पज इकोनॉमिकल पर्पज नहीं बोलता इकोनॉमिकली बोलता है नंबर ऑफ सिलेंडर इन जीनोम इंजन बताइएगा किसने बोला पांच किसने बोला वही ए भाई किसने बोला बी सात किसने बोला डी किसने बोला पांच फिर सात सुन रहिएगा मेरे बच्चे आपको खर्चा सबसे कम कहां लगेगा देखो ध्यान नौ सात या पांच में कितना एक्स्ट्रा बेटा जितना भी एक्स्ट्रा लगाओगे ना जितना भी एक्स्ट्रा लगाओगे ना सुनिएगा मेरी बात उसका खर्चा भी आप ही दोगे मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया तो उससे मेरा काम अगर चल रहा है तो दिस इज द बेस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया तो इसका खर्चा मैंने दिया मैंने तीन दो एक्स्ट्रा लगाया तीन एक्स्ट्रा लगाया तो उसका खर्चा मैंने दिया मैं पांच एक्स्ट्रा लगाऊंगा उसका भी खर्चा मैं दूंगा सबसे ज्यादा कॉस्टली ये होता है और सबसे कम कॉस्टली ये होता है ठीक है ना दिस इज द मोर इकोनॉमिकल तो आई थिंक आपको हमेशा ध्यान रखना ये बात ठीक है ना हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इकोनॉमिकली अगर नंबर ऑफ सिलेंडर पूछा जाए तो द इकोनॉमिकली ऑप्शन नंबर ए पांच ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है डियर ध्यान रखिएगा ठीक है ना पांच अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या होता सात बात समझ में आ गया ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखेगा और जिनोम इंजन में हमेशा जिनोम इंजन में हमेशा मेरे बच्चे ध्यान से जिनोम इंजन में हमेशा ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं ऑड नंबर ऑफ सिलेंडर होते हैं Slender कैसे होते हैं Odd में होते हैं ठीक ना यू कैन सी दिस दिस इज फॉर योर लव एंड सपोर्ट फिफ्टी लाइक हो चुके हैं थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पचास लाइक कम से कम हो तो गए यस yes. नाउ बेटा लोग फटाफट इसको हंड्रेड लाइक like में कन्वर्ट करने हैं फटाफट इसको हंड्रेड लाइक like में कन्वर्ट कर देना है ठीक है ना चलो आई थिंक मेरी ये बात समझ में आ गई जल्दी जल्दी बता दो क्या मेरी ये बात समझ में आ गई बताइए इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली पांच होते हैं समझ में आ गया इकोनॉमिकली पांच होते हैं इतना समझ में आ गया या इकोनॉमिकली कितने होते हैं बेटा पांच वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस ठीक है ना तो गाइश एक बार और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहां होता क्या है कि जब हम फाइटर प्लेन का विंग मतलब जो उसका पत्ती होता है उसको पकड़ के जब ऐसे घुमाते हैं नाउ विंग को रोटेट करते हैं मेरे बच्चों जब विंग को रोटेट करते हैं तो यहां से क्या होता है यहां से मिलता है एक रोटेशन नाउ एट दिस गाइश ट दिस सिस्टम वेन वी रोटेट दिस सिस्टम एक्सोस्ट्रेशन एक्सपेंट देख लो ध्यान से हर एक साइकिल अपना अपना रोटेट कर रही हाजी यस प्रतीक सात सिलेंडर में दो पावर स्ट्रोक मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे साइमल्टेनियसली दो कम से कम मिलेंगे ठीक है ना और नौ में तीन मिलेंगे ठीक है तो हम एक चीज कह रहे हैं देखो कॉमन चीज समझना अगर पांच से ही हमारा काम हो जा रहा है जब पांच से ही हमारा काम हो जा रहा है तो हम सात लगा के अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? कर सकते हैं बट खर्चा क्यों बढ़ाएं भाई इतना हम इंजीनियर हम कॉस्ट इफेक्टिव बंदे हैं क्यों नहीं समझ रहे यस और नो यस प्रतीक ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था आई थिंक मैंने सर ये सिलेंडर अपने पोजीशन के हिसाब से ही स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं हाँ जिस पोजीशन में होंगे उसी हिसाब से जब हम रोटेट कराते हैं ना तो जिस पोजीशन में उसी हिसाब से वो अपना स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई सक्शन ले लेता है कोई सेक्शन के बाद कंप्रेशन पहुंच जाता है या कोई कंप्रेशन पर रहता है तो कोई सक्शन ले रहा होता है ऐसा भी होता है आप ये वाला वीडियो देख सकते हो आपको यहां से सब समझ में आ जाएगा आप एक सिलेंडर के अंदर क्या क्या हो रहा है उस सिलेंडर को एक बार देख लो ध्यान से एक सिलेंडर के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है आप ये देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है अरे भाई हम प्रोपेलर बोलेंगे आदो को समझ नहीं आएगा फिर इसलिए विंग बोलना पड़ता है ठीक है ना एक्चुअली में होता प्रोपेलर ही है ठीक हम प्रोपेलर को पकड़ के घुमाते ठीक है ना लेकिन दिखता हमें क्या है बेटा दिखता हमें क्या है हमें ये पत्ती दिखती है हमें क्या दिखती है पत्ती दिखती है बात समझ में आया इतना क्लियर है बेटा जल्दी बताओ जाइनोम इंजन इज क्लियर यस और नो तो जिनोम इंजन को है बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं जिनोम इंजन का दूसरा नाम है रोटरी इंजन जिनोम इंजन का दूसरा नाम है रोटरी इंजन जिनोम इंजन का एक और नाम है यह नाम आप लोग ढूंढ के आओगे कल जिनोम इंजन का एक और नाम है यह नाम आप लोग कल ढूंढ के आओगे और यह नाम हम मुझे बताओगे कि जिनोम इंजन का एक और नाम है जिनोम इंजन एक और नाम से बहुत फेमस है रोटरी इंजन जिनोम इंजन और क्या है और क्या है जल्दी बताओ क्लियर 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 यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो गई आई थिंक आज हमने पढ़ा कि सिंगल सिंगलर क्रैंक चेन में पहला लिंक फिक्स करते हैं तो क्या आता है पहले किसको फिक्स करते हैं सिलेंडर को ठीक है ना तो रेसिप्रेटिंग इंजन और रेसिप्रेटिंग कंप्रेसर दूसरा किसको क्रैंक को तो क्रैंक से विटवर्थ विटवर्थ के अंदर क्या कमी है क्या क्यों ऐसा किया गया विटवर्थ ने ऐसा क्यों किया कि क्रैंक एंड स्लॉटेड बनाया तो उसके बारे में तो क्रैंक स्लॉटेड कल सुबह आते आते ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे देन तीसरा क्या था तीसरा था हमारा ये जिनोम जिनोम रोटरी और एक और नाम है आप इसका नाम ढूंढ के लाओगे यस वेरी गुड नाम निकल के आ गया बिल्कुल बहुत सही रेडियल इंजन वेरी गुड बहुत अच्छे किसने बताया नेहा ने रेडिकल नहीं भाई रेडियल रेडियल इंजन कहते हैं हां रोटरी इंजन को रोटरी इंटरनल कंबस इंजन ही कहते हैं बेटा ये तो इंटरनल कंबसन ही तो है इंटरनल कंबसन ही तो तो हो रहा है तो इसलिए रोटरी इंटरनल तो कॉमन है रोटरी इंजन इसलिए कह रहे हैं रेडियल इंजन कहते हैं रेडियल क्यों कहते हैं सारा कुछ रेडियस के अनुसार होता है सर्किल के रेडियल के अनुसार रेडियस के अनुसार खेलते हैं सर नौ में से आठ में सक्शन के बाद नौ में कंप्रेशन होता है तो कैसे यूज कर सकते हैं मतलब एक साथ सब में सक्सम कैसे हो जाएगा भाई वीडियो दिखा रहे हैं फिर भी तुम्हारा दिमाग उड़ा हुआ है वीडियो दिखा रहे हैं फिर भी आप मतलब आप किस सपने की दुनिया में जी रहे हो पता नहीं यार अगर ये बात तब होती जब मैं फिगर शांति से यह दिखाता तब आप सोचते कि यार अगर एक साथ सर आठ में सत्संग हो जाए नौ में अगर कंप्रेशन हो तो यार तुमको वीडियो दिखा रहे हैं तब भी तुम्हारे समझ ना आ रहा सीधे देखो ध्यान से देख ध्यान से जब ये नीचे आ रहा है तो ये आगे जा रहा है जब ये सक्शन कर रहा है तो ये कंप्रेशन कर रहा ये एक्सपेंशन कर रहा है ये कर रहा है, देख ध्यान से ऐसा कैसे हो सकता भाई मतलब अपने मन से कुछ भी बना लो है ना कि सर नौ सिलेंडर है नौ के नौ में सक्शन हो रहा हो तो फिर तुम झुनझुन्ना लेकिन बैठते रहना देखते रहना उसको कोई मतलब नहीं है यार क्या है ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। पित एनिमेशन लेकर आया हूं देखो ध्यान से सारे सिलेंडर यहां तुम थोड़ा सा जल्दी स्पीड में चल रहा है तो कंफ्यूज आ जाओगे इसलिए धीरे धीरे वाला दिखा रहा हूं देखो आराम से ना समझ में आया तो बताओ ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है ये फिक्स तो एक ही चीज पे है ना ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ये रेडियल इंजन इसलिए तो बोला है मैंने यस yes. अंकित कह रहे हैं सर यूज कहां पर होता है बच्चा लोग अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया यूज कहां होता है क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया यूज कहां होता है ये फर्जी का क्वेश्चन है कि नहीं ये अंकित देख लो कहां लगा हुआ है चलो अंकित अंकित बेटा देख लो कहां लगा हुआ है योर एमडी क्लास वॉज फिनोमिनल सर या थैंक यू तो भैया तुम फिर पूछ का है हो अंकित जब तुमको पता ही चल गया कहाँ है कहां लगा है अभी बताएं हैं थोड़ी देर पहले कि पायलट भाई साहब आएंगे कहानी सारी सुना दिए फिर भी पूछ रहा है कहां लगा होता है पूरी रामायण सुन लो पूरी महाभारत सुन लो पूछना अच्छा ये लिखा कौन था ठीक <laughs> है चलो तो गाइज अभी हम एक चीज बता देते हैं आपको कि अपन जो है हाँ कल जो है अपन ये ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन कहाँ लगा होता है क्यों यूज करते हैं क्या रीजन है कि हम समुद्री जहाज में जो समुद्री जहाज को ज्यादा हिंदी हो गया ठीक है ना ये जो आपका शिप होता है शिप के अंदर हम क्यों इसका यूज करते हैं क्या रीजन है और शिप के अंदर इसका यूज करने का मतलब क्या परपज हो सकता है ये सारी चीजें ठीक ना देन इसके साथ साथ आपको कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एक और क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो कि किसने दिया था मेरे भाई बिटवर्थ नहीं दिया था तो देखिए ध्यान से कल मैं ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं देन इसके साथ साथ मैं आपको कल हैंड पंप के बारे में बताऊंगा तो कल हैंड पंप पे शायद हम लोग ना पहुंच पाए क्योंकि कल हम करेंगे क्वेश्चन या तो एक काम करते हैं सारा इन्वर्जन कर लें फिर उसके बाद क्वेश्चन करें आप कहो सारा सिंगल स्लाइडर का हैंड पंप तक पूरा पढ़ लें फिर उसके बाद एक क्लास ले लें पूरे क्वेश्चन की क्लास या आप कहो अदरवाइज मेरे कोई दिक्कत नहीं मैं क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ भी चलूंगा ठीक है ना ये आपके ऊपर है आप जैसा कहो ठीक है ना सो so, मेरे भाई आप देख ही रहे हो सनी पाजी कहा गए कितने चले गए ये रहे देख रहे हो ना समझ गए बात तो गई ये सारी चीजें अच्छा एक चीज और आप लोगों को इसके साथ साथ बता देता हूं कि रात में ग्यारह बजे शायद कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं ठीक है ना रात में ग्यारह बजे एलेवन पीएम रात में ग्यारह बजे मेरे बच्चों ध्यान से रात में ग्यारह बजे 11 पीएम पे मैं आप लोगों को मशीन डिजाइन के आई के क्वेश्चन करवा रहा हूं ठीक है ना मशीन डिजाइन के आईएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें चैप्टर चल रहा है बियरिंग साफ्ट एंड की और साफ्ट के ही बीच में आ गया है एक्सल ठीक है ना क्योंकि भैया आईईएस में ना आईईएस में बियरिंग भी है साफ्ट भी है एक्सल का डिजाइन भी है की भी है, तो आप छोड़ नहीं सकते और मशीन डिजाइन प्री में जो है ना सोम को फेल कर चुका है सोम प्री में पच्चीस नंबर का आता है लेकिन मशीन डिजाइन तीस नंबर का आता है तो आईएस के अगर क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो यहां जरूर जुड़ जाना मेरे साथ ठीक है ना सारा करके देन क्वेश्चन कराइए सर साथ में कॉलेज का भी क्लास अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अंकित वर्ल्ड वॉर की स्टोरी इतना सुनाया फिर भी कंफ्यूज आ रहे नहीं आ, इन्वर्जन के बाद क्वेश्चन अच्छा कंप्लीट इन्वर्जन अच्छा 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 ठीक 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 डन तो एक काम करते हैं कल अपन हैंडपम्प तक पूरा खत्म कर लेते हैं फिर उसके बाद अपन एक क्लास पूरा रख लेंगे सिंगल स्लाइडर के जितने भी क्वेश्चन है ए टू जेड मैं कह रहा हूँ ए टू जेड का मतलब है जितने आज तक आए हैं सब उठा के ले आऊंगा ए टू जेड सारा और आप लोग टेंशन मत लो इस थ्योरी ऑफ मशीन में मैंने क्या बोला आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आई एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ जो जरूरी चीजें होंगी वो यहाँ होंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो अलग से ही पढ़ाया मैंने और पढ़ाऊंगा भी कन्वेंशनल क्वेश्चन जो मेन्स के क्वेश्चन है वो सारी चीजें मैं यहाँ लेकर आऊंगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी ऐसे ही मैं में मेंस की तैयारी भी करनी है न मेरे बच्चा लोग मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ग्यारह बजे रात में मशीन डिजाइन चल रहा है हाँ एक चीज और ध्यान से ग्यारह बजे रात में जो ये मशीन डिजाइन चल रहा है बच्चा ये जो ग्यारह बजे रात में चल रहा है ये डेली चल रहा है जैसे सुबह सुबह डेली साढ़े नौ बजे यहां पढ़ते हो ना वैसे रात में ग्यारह बजे डेली यहाँ पढ़ोगे डेढ़ से दो घंटे की क्लास होती है टेंशन मत लो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिसने थ्योरी नहीं पढ़ा वो भी आपके पढ़े क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा देखो अगर तुम थ्योरी नहीं पढ़े हो तो कल की क्लास लेकर देख लो कल की क्लास रखी हुई है रिकॉर्डेड देख लो एक बार जाके तुम्हें तो फील हो जाएगा कि बिना थ्योरी पढ़े भी सर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ाते हैं टेंशन मत लो ठीक है ना हाँ मैं यही तो बता रहा हूं ब्रिजेश कि जिसने मशीन डिजाइन की थ्योरी नहीं पढ़ी है सो डोंट टेक एनी टेंशन आप ये टेंशन मत लेके आना ये मत सोचना कि अरे मैंने थ्यूरी नहीं पढ़ी मैं कहां से क्वेश्चन करूंगा बेटा अगर ये सोच में रह गए पहली बात अगर ये सोचते रह गए तो थ्योरी पढ़ने के चक्कर में बैठे रह जाओगे दूसरी बात मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू बच्चा लोग आप लोग बताओ जो कल क्लास लिए हैं जो भी अगर चलो वो भी नहीं आपके पास रिकॉर्डेड क्लास एक बार खुद ही आप खोल के देख लेना टू द पॉइंट नोट्स बनवाता हुआ मैं चल रहा हूं कि देखो ये क्वेश्चन यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट करो सारी चीजें मैं नोट करता हुआ चल रहा हूं मेरे भाई ए टू जेड ठीक है ना ध्यान रखिएगा मैं यहां आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन यूट्यूब पे करा रहा हूं और अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में सोम चल रहा है अन के स्पेशल क्लास में आपके लिए सोम चल रहा है और प्लस पे तो बेटा डिजाइन है अपना प्लस पे पूरा डिजाइन है अपना ठीक है ओके तो गाइज मैं एक ही चीज कहूंगा फटाफट जल्दी से जल्दी अगर आपको ज्वाइन होना है क्योंकि गाइज मैं आपको बता दू बैच एफ अनाउंस हो चुका है आठ मार्च से आ रहा है बैच ठीक है ना दो हजार तेईस वाले बच्चों के लिए भी आठ मार्च से ये बैच आ रहा है डियर ध्यान से इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है डाउट सोलविंग सेशन वीकली टेस्ट ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है मेरे बच्चे ध्यान से अगर आप आइकॉनिक लेते हो मेरे बच्चे ध्यान से आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है बेटा प्लस Iconic में आपको क्या मिलता है प्लस का सब्सक्रिप्शन इसके साथ साथ पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट ये सारी चीजें ठीक है ना और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गोल पिक कर लो गेट एंड ई एस सी देन माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस तो टू ईयर और थ्री ईयर का प्लान गाइज अगर आप सेकेंड ईयर में हो और थर्ड ईयर में हो तो आप टू ईयर का प्लान चूज कर सकते हो अगर आप फाइनल भी हो जो पास आउट हो तो आप इसको प्लान चूज कर सकते हो तो गाइस 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 प्लीज बी फोकस फोकस करो जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो फोकस कर लो अपने तरीके से सही तरीके से ठीक है ना आप बहुत अच्छा कर सकते हो ध्यान रखना आलोक लाइफ कोड यूज कर सकते हैं आप अगर आप आईएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे ठीक है ना आईएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर्सनल कोच मिलेंगे ठीक है ना और एक चीज और आलोक लाइव इज टेलीग्राम चैनल अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन लेना है फाइनेंशियल है तो सर जी कैसे हमें करना चाहिए क्या हम ई कैसे होता है कार्ड का अगर पूछना हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप आलोक लाइव एल ये टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिएगा मैं आपके सामने आ जाऊंगा ठीक है ना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन सर इसका प्लेलिस्ट का नाम क्या है आ, बेटा थ्योरी ऑफ मशीन लिखा हुआ है आप एक बार देखिए जाकर इंजन मतलब ज्यादा रोटेशन डेवलप करेगा कम फ्यूल में या रियली एंजॉइंग ऑसम एमडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके नाउ ओके भाई चलो भैया वापस आजाओ. आ जाओ हाँ चलो सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन बहुत मजा आया ठीक है ना मिलते हैं अपने अगले सेशन में यूट्यूब में आज रात ग्यारह बजे इलेवन पी एम पे ठीक है ना तब तक के लिए सभी को टिल दिन इंजॉय बाय जय हिंद जय जै भारत